सो गुड मॉर्निंग डियर चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए मुझे। कैन यू हियर माई वॉइस? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस यस यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए एवरीवन, कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग करण, विशाखा, मयंक, गौरव, आदित्य, संस्कार, राहुल, अक्षत एंड झलक, मयूर, कुशल, दीपिका, आध्या, अलेक, अर्पिता, नमन, मयूर, अल्पना, गंगा, यश, समीक्षा, मस्ती, कृष्णा, रणवीर, अनन्या, देवू, दीपिका, कृष्णा, अल्पना, हार्दिक, नुपुर, संदीप, रवि, आनंद, वैष्णवी एंड मानव, मान्या, निश्चय, ताहा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो सी इंटरमीडिएट ग्रुप टू का पहला दिन आपका समाप्त हो गया था और आज हम लोग सेकेंड डे में एंटर होने वाले हैं। सो लेक्चर टू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पार्ट नंबर टू। तो बेसिक्स की कहानी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर आप पीपीटी लेकर नहीं आए हो, तो भाई आज पीपीटी लेकर आया हूँ, चिंता मत करो। तो पहले जो मैंने कल पढ़ाया उसको क्विकली रिवाइज कराऊंगा बेसिक्स में, वो भी पीपीटी की मदद से, उसके बाद फिर नई चीजें आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाइए, सत श्री अकाल, यस, सुप्रभात, आइए आइए आइए। बहुत गर्मी है, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसी गर्मी देखी कि सुबह 8 बजे जो है भाई कूलर एसी चालू करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी पसीना आ रहा है, बट कोई ना यार। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। ओके, सो दिस इज टीम अल्टीमेट सीए, जो आप लोगों को सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर देते हैं बेस्ट कंटेंट एंड द सपोर्ट टिल द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आई एम द पार्ट ऑफ दिस टीम। माय नेम इज सीए प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। Taught thousands of students at foundation and intermediate level. I am an educator by choice, by passion. Dil se re, dil se re, dil se re. So, foundation level par aapko padhata hun. QA intermediate level par cost and management accounting. Yes. So, ye hai hamara Vishwas batch. The ultimate CA's Vishwas batch. And this is the regular batch for CA Inter Group 2. Started from 30th of May. Timetable aapke saamne hai. सुबह 8 बजे से लेके 11:15 तक मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लूंगा। 11:30 to 1:30 आपकी ऑडिटिंग एंड एथिक्स की क्लास होगी, देन 2:30 to 4:30 FM एंड 5 to 6:30 PM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी पहले 5 लेक्चर आपके YouTube में एज अ डेमो भी लिए जा रहे हैं और आप चाहें तो पूरे कॉम्बो के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम ultimatece.com। अच्छा, आपको कोई भी तकलीफ होती है एक्सेस को लेकर, टेलीग्राम ग्रुप को लेकर, क्लासेस को देखने को लेकर या एडमिशन को लेकर, अल्टीमेट सीए की वेबसाइट में कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाइए और वहां जाके फॉर्म भर दीजिए, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप भी हैं तैयार। कैन वी स्टार्ट द सेशन नाउ बॉयज एंड गर्ल्स? जल्दी से लाइव चैट में मुझे विक्ट्री साइन दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1। हियर वी गो, चलिए शुरू करते हैं सर। तो मैंने कल आप लोगों को कुछ शब्दों के बारे में बताया था, जैसे पहला शब्द जो मैंने आपको बताया था कॉस्ट। सर कॉस्ट मतलब लागत। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाने में आपने जो अपनी तरफ से गिव अप किया रिसोर्सेस, जिस उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, दैट इज कॉस्ट। और कॉस्टिंग क्या है सर? इट्स अ वर्ब। कॉस्ट निकालने की टेक्निक या मेथड को बोलते हैं, वो जो पूरी प्रोसेस या टेक्निक है ना कॉस्ट निकालने की, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो आई गेस आईएनजी लग गया तो उससे आपको समझ में आ ही जाता है कि क्या है वो। कॉस्ट लीडरशिप सबको पता है ना सर, आज के समय में कंपटीशन इतना तगड़ा है कि हर कोई व्यक्ति अब डिफरेंशिएशन में नहीं, कॉस्ट लीडरशिप में जाना चाहता है। मतलब कि वही क्वालिटी मेंटेन करते हुए मैं इतना कम कॉस्ट में बनाऊं कि कम में बेच पाऊं और मेरी डिमांड ज्यादा हो जाए और मैं कॉस्ट लीडर बन पाऊं। लेकिन ये कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव होती है? इज इट इजी टू अचीव इट? नो सर। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास धांसु, उसके लिए हमारे पास धांसु कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स शुरू किए थे। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से हमने पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में किया था। आज हम कॉस्ट रिडक्शन से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कौन मुझे बताएगा असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है? सर कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अब कॉस्ट को कैलकुलेट करने में 3 स्टेप आते हैं।
पहले तो आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, इनवॉइसेस रखे हुए हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, जो भी फाइनेंशियल वाउचर्स हैं, उन सभी को देखकर सारी कॉस्ट को आप इकट्ठा करते हो। फिर जो कॉस्ट जिस हेड में जानी चाहिए, अब ये हेड वाली चीज ना एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट शीट, तब आप समझ पाओगे कि किस हेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी बस इतना समझ लो कि हमारे पास मल्टीपल खर्चे हैं तो हमें उन्हें सही हेड में बांटना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है, ठीक है। तो अक्यूमुलेट का मतलब पहले इकट्ठा करो, असाइनमेंट मतलब उसकी ग्रुपिंग करो, और उसके बाद अरिथमेटिक कैलकुलेशन मतलब टोटल या मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना फाइनल वैल्यू निकालो कि कॉस्ट कितनी असर्टेन हुई है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्टिव आपको बताया था, डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी की डिटरमिनेशन वाली बात के लिए। सर ये बताइए, एक फर्नीचर कंसल्टेंट है, या बोल दो कि भाई फर्नीचर वर्क वाली एक आपके पास वर्कशॉप है, आप वहां पर गए और आपने बोला कि आपको एक टेबल बनवाना है, ठीक है। आपने उनको जाके ऑर्डर दिया, अब वो फर्नीचर वाली कंपनी जब आपको वो टेबल बनाने के लिए प्राइस देगी तो पहले वो भी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगी। तो उस वर्कशॉप का जो ओनर होगा ना, सुनना ध्यान से, ठीक है, उस वर्कशॉप का जो ओनर होगा ना, वो ओनर क्या करेगा, सबसे पहले ये बोलेगा कि देखो भाई जितना टेबल बनना है उसमें लकड़ी कितनी लगने वाली है, तो वो ये जो वुड रखा हुआ है इसकी कॉस्ट निकालेगा, ये देखो इस तरीके से वुड्स की कॉस्ट कितनी आ रही है। उसके बाद वो मेजर करेगा कितना मीटर लकड़ी हो रहा है और एक मीटर की कितनी प्राइस आती है, तो वो लकड़ी की कॉस्ट निकालेगा सबसे पहले। फिर वो बोलेगा कि यार देखो मुझे इन सबको जोड़ना है तो मुझे वर्कर लगेंगे, तो वर्कर के कितने घंटे लगेंगे जो इसके कटिंग वटिंग इन सब में काम करेंगे, दैट इज लेबर। आपको पता ना फर्नीचर का काम होता है फर्नीचर का काम होता है तो लेबर की कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सर वो काम हाथों से करना पड़ता है, मशीनों यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे लेबर इन्वॉल्व होते हैं, तब फर्नीचर का काम होता है। तो वो जो ओनर है वर्कशॉप का, वो आपको प्राइस देने से पहले अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन में लेबर की कॉस्ट को भी इंक्लूड करेगा। फिर उसके पास बहुत सारी मशीनें हैं, भाई मशीनों का खर्चा भी उसको वसूल करना है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वो लेकर आया है, तो उसका डेप्रिसिएशन कहां से रिकवर करेगा, उसका डेप्रिसिएशन भी तो वहीं से रिकवर करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके बाद अगर मैं तुमसे बोलूं तो भाई जिस पूरी प्रिमाइजेस में उसका वर्कशॉप है, आप देखो कितना सारा सामान रखा हुआ है, कहीं कटिंग हो रही है, कहीं पर जॉइंट जॉइंट कर रहे हैं वो लोग, कहीं पर कुछ उसको क्लीनिंग कर रहे हैं, कहीं पर पॉलिशिंग चल रही है, तो वो जो पूरा प्रिमाइज है उस प्रिमाइज को मेंटेन करने के भी तो खर्चे हैं ना भाई। अगर खुद की ओन्ड प्रिमाइज है तो भाई डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर हमने किराए पे ली है वो प्रिमाइज तो क्या होगा, सर किराए पे अगर हमने वो प्रिमाइज ली तो रेंट लगेगा। इन सारे खर्चों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं। उसके बाद हमारे इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, उन वर्कर को देखने के लिए सुपरवाइजर भी तो होते हैं, टीम लीडर भी तो होते हैं। अब जैसे ये अंकल आपको दिख रहे हैं जो फोन रखे हुए, आईफोन रखे हुए सफेद कलर वाला, ये जाके ना कटिंग वाला काम नहीं करते, लेकिन ये सबको डायरेक्शन देते हैं, ये डिजाइन देखते हैं कि आर्किटेक्ट ने कौन सी डिजाइन दी, उसके बाद अपने वर्कर को समझाते, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे कटिंग करो, ओ बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करो वैसे करो, वैसे करो ऐसे करो, सुपरवाइजर का काम समझ रहे हो। तो सुपरवाइजर की सैलरी भी तो इंक्लूड होनी चाहिए हमारी कॉस्ट में, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस पूरे एग्जाम्पल को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं मेरी कॉस्ट निकालना चाहता हूं क्यों, ताकि मैं किसी को सेलिंग प्राइस दे पाऊं, तो वो कॉस्ट निकालने की जो प्रोसेस है ना वो भी बहुत बड़ी है, एंड वी हैव टू कंसिडर सो मैनी थिंग्स। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये इतने रुपए की लकड़ी लग गई, इतने रुपए का लेबर लग गया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व व्हाइल वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट। जो मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूं मेरे कस्टमर को, उसकी कॉस्ट निकालते समय मेरे को ढेर सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। यस एवरीबॉडी, ठीक है, और उसी के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ताकि हम कभी भी किसी चीज को भूलें ना और हर एक चीज को अच्छे से डील कर पाए। तो सर कॉस्ट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प मिलती है, सेलिंग प्राइस अगर मार्केट से मिल रही है तो निगोशिएशन करने में हेल्प मिलती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग मी? और एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, सुनो ध्यान से। एप्पल, एप्पल जिस इंडस्ट्री में है ना, मोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव, लेकिन एप्पल उसमें बहुत डिफरेंशिएट करके चीजों को देता है। एप्पल कभी भी ये नहीं देखता कि दूसरे का प्राइस क्या है, एप्पल अपनी कॉस्ट देखता, अपना प्रीमियम चार्ज करता और अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। तो एप्पल के केस में एप्पल जो प्रोडक्ट दे रहा है वो अनमैचेबल है दूसरों से, इस वजह से एप्पल अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज करता है, तो वो अपनी कॉस्ट निकालता होगा, उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ता होगा और अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करता होगा एप्पल कोई भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए एटसेट्रा के लिए।
हाउएवर अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया की बात करूं, इट्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। अगर जियो ने 5G लॉन्च किया और उसने बोल दिया कि 6 महीने 5G फ्री चलेगा, तो एयरटेल को झक मार के फ्री देना पड़ेगा, क्योंकि एयरटेल अगर फ्री नहीं देगा तो इंडियन कंज्यूमर इतने शाणे हैं भाई कि वो सबके सब जियो में स्विच हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी इंडस्ट्री में प्राइस तो मार्केट ने डिसाइड किया है। जैसे आज अगर जियो ने एक प्लान ले आया है कि 1 महीने का प्लान है 300 रुपए का, 1 GB डेली वाला, ठीक है, तो एयरटेल को भी 300 ही रखना पड़ेगा, वो 300 से ज्यादा नहीं रख पाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या एयरटेल के पास ये चॉइस है कि वो अपने सर्विसेज की सेलिंग प्राइस खुद डिसाइड करे? नहीं, नहीं, नहीं है, ठीक है। ये होता है कॉम्पिटिशन। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इसलिए कॉस्ट निकालना जरूरी है ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, ताकि हमें पता चल पाए कि जिस रेट पे जियो दे पा रहा है उस रेट पे हम दे पाएंगे कि नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? दैट्स इट। चलिए सर, अगला टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कॉस्ट कंट्रोल। मुझे लगता है भाई कॉस्ट कंट्रोल को लेके तो आपको काफी अच्छे से कहानी समझ में आ गई थी। डिटॉल वर्सेस सेवलॉन का केस स्टडी हमने लिया था जो कि पूरी तरह काल्पनिक स्टोरी थी। तो डिटॉल जो है सर मार्केट लीडर है, और डिटॉल अपना सैनिटाइजर का बॉटल पहले 80 रुपीज में बेचा करता था, सडनली उसने अपना प्राइस 50 कर दिया। अब डिटॉल की कॉस्ट तो 40 थी तो डिटॉल को पड़ता, लेकिन सर सेवलॉन को नहीं पड़ता ना। सेवलॉन तो बना ही 54 में रहा था, पहले वो 80 में बेचता था क्योंकि डिटॉल 80 में बेचता था। अब डिटॉल ने 50 किया तो उसको भी 50 करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट अभी भी 54 रहती है तो सेवलॉन मार्केट से बाहर हो जाएगा। रीजन यू नो, क्योंकि सर सेवलॉन अपनी सेलिंग प्राइस से ज्यादा कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि हम अपनी कॉस्ट को उस लेवल तक लेकर आए जिस लेवल पर मार्केट के दूसरे प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, दैट इज 40 रुपीज पर बॉटल। मुझे बताइए सारे बच्चों, 54 से लेके 40 तक के सफर को मैं क्या बोलूंगा? 54 से 40 तक पहुंचने के सफर की जो अप्रोच है, उस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट कंट्रोल। मान लीजिए कुछ 1-2 साल मेहनत करने के बाद हम भी 40 रुपीज की कॉस्ट तक पहुंच गए, अब हम डिटॉल के साथ कंपीट कर पा रहे हैं, हम भी उसी प्राइस पर दे पा रहे हैं, हम भी उतना ही मार्जिन कमा रहे हैं, लेकिन अब हमारी इच्छा थोड़ी ज्यादा है, अब हमारी अर्ज थोड़ी ज्यादा है, अब हमारा इंटेंशन है डिटॉल को बीट करना है और मार्केट लीडर बनना है, तो आपको कुछ डिसरप्शन लाना पड़ेगा। तो आपने बोला नहीं, मैं और इनोवेशन करूंगा, मैं और कुछ नया तरीका ढूंढूंगा जिससे मैं अपनी कॉस्ट को फर्दर कम कर सकूं, फर्दर रिड्यूस कर सकूं। जब कॉस्ट कंट्रोल अचीव हो जाता है, उसके बाद अगर आप इनोवेशन से, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से, अपने रिस्ट्रक्चरिंग से अगर परमानेंट रिडक्शन लेकर आते हो अपनी यूनिट कॉस्ट में, तो उस अप्रोच को बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, आपको क्या लगता है किसी भी एंटिटी के लिए कॉस्ट रिडक्शन करना विल बी अ इजी टास्क या वेरी डिफिकल्ट टास्क? सर 40 रुपए की कॉस्ट में पहुंच गए हो ना, उसके बाद 50 पैसे कॉस्ट कम करना भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, 40 को 39 बनाना भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि 54 से 40 तक में ना तुमको गलतियां पता थी कि तुम्हारा कहां एक्स्ट्रा खर्चा लग जा रहा है, कहां तुम सेविंग कर सकते हो। इट वॉज ओके, इट वॉज ईजी टू फाइंड, तुम अपनी इनएफिशियंसीज को दूर कर रहे थे, लेकिन जब तुम फुल्ली एफिशियंट होते हो ना, और फर्दर रिडक्शन करना है तो तुमको इनोवेशन करना है, और कभी भी लाइफ में इनोवेशन करना इजी नहीं होता। क्लियर है सबको? ऑल राइट सर, तो ये था हमारा कॉस्ट कंट्रोल, और उसके बाद हमने कॉस्ट रिडक्शन कल शुरू किया था, जिसको अब मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। चलिए, कैन वी स्टार्ट कॉस्ट रिडक्शन नाउ? आप लोग मेरे साथ हैं, आपको कल तक का सारा पोर्शन रिवाइज हो गया है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस विदाउट इंपेयरिंग देयर सुटेबिलिटी और डिमिनेशन इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो 40 रुपए की कॉस्ट में सेवलॉन पहुंच गया। अब सेवलॉन के मैनेजमेंट में एक डिस्कशन चल रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैनेजमेंट का ये इंटेंशन था कि हमको डिटॉल को बीट करना है। अब एक बंदा अपना आइडिया देता है, सर मैं कुछ बोलूं क्या, थोड़ा इमेजिन करना ना, आप सभी तो निर्माता हो, आपको तो पता है। तो एक पूरा राउंड टेबल है, राउंड टेबल में सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, एक शाणा डायरेक्टर जो है, जो सिर्फ बोलने का शाणा है, ठीक है, दिमाग उसका कुछ है नहीं, कहता है कैन आई से समथिंग गाइस, कैन आई से समथिंग।
सभी लोग, अरे बोलो ना भाई, अंग्रेजी में काहे को बोल रहे हो, हिंदी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कुछ बोलू? हाँ बोलो, सुनो ध्यान से। मेरा ये आइडिया था कि हम लोग जो इथाइल एल्कोहल यूज कर रहे हैं ना सैनिटाइजर के लिए, आपको पता है सैनिटाइजर को बनाने में इथाइल एल्कोहल का यूज होता है। एल्कोहल, अरे वो एल्कोहल नहीं भाई, इंडस्ट्रियल एल्कोहल है, वो एल्कोहल नहीं है जिससे तुम अट्रैक्ट होते हो। ये एल्कोहल लोगे तो भाई सीधे ऊपर जाओगे, हाई नहीं होगे, सीधे ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल। अब जो इथाइल एल्कोहल है ना, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है। तो उसने क्या आइडिया दिया, काम करते हैं सबसे रद्दी क्वालिटी का इथाइल एल्कोहल लगाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये सजेशन कॉस्ट रिडक्शन की तरफ हमारे लिए यूजफुल होगा? अरे भाई, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुमने तुम्हारा मटेरियल रद्दी कर दिया, वही चीप क्वालिटी का यूज करने लगे। तुम मटेरियल चीप क्वालिटी का यूज करोगे तो सैनिटाइजर भी चीप क्वालिटी का बनेगा, तो मार्केट लीडर नहीं बनोगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे भैया। तो क्वालिटी को कभी तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा डायरेक्टर आया, वो क्या आइडिया देता है, कहता है पिछली बार हम लोगों ने 1 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया था, एक काम करते हैं इस बार हम लोग 90,000 लीटर सैनिटाइजर बनाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अबे गधे, टोटल कॉस्ट को कम थोड़ी करना है, एक बॉटल या 1 लीटर बनाने की जो पर लीटर या पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उसको कम करना है। अरे कम प्रोडक्शन करके टोटल कॉस्ट कम करने को रिडक्शन थोड़ी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? आर यू गाइस गेटिंग मी? रिडक्शन होना चाहिए और वो भी यूनिट लेवल पर होना चाहिए, मतलब वाकई में सस्ता बना रहे हो तुम, कम प्रोडक्शन करके कम कॉस्ट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, आगे चलते अप्रोच। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है सर कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है ना सर, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना वो अप्रोच ऑफ थिंकिंग में होता है। स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी दोनों ही फुल मेहनत कर रहे हैं। आपने सीए फाउंडेशन में अपने साथ कुछ लोगों को देखा होगा जो आपकी जितनी आपसे ज्यादा मेहनत करते होंगे बट शायद नहीं निकल पाए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड या उनका अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम बहुत ही मतलब हैवी लेते थे, वो बहुत ही प्रेशराइज तरीके से लेते थे या अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते थे। अरे मुझसे ये नहीं होगा, अरे मुझसे मैथ्स नहीं बनेगी, अरे मैं लॉ के आंसर कैसे लिखूंगा, है ना? यही सेम चीज वर्क करती मैनेजमेंट में। दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जहां मैनेजमेंट हर चीज में ना रीजन ढूंढता है इंप्रूव ना करने के। अरे डिटॉल नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे, डिटॉल नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे, डिटॉल इतने सालों से हम तो अभी अभी चालू किए, वो नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। अगर इस सोच के साथ चलोगे कि दूसरा नहीं कर पा रहा है तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, तो भाई ऐसे केस में आप कभी भी कॉस्ट रिडक्शन कर ही नहीं पाओ। लेकिन अगर मैनेजमेंट का ये अप्रोच है कि मैनेजमेंट कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता, आप 40 में पहुंच गए मैनेजमेंट को तब बहुत अच्छी बात है, शाबाश, लेकिन यार और कम करना है। अब नीचे लेवल के लोग बोलेंगे यार ये पागल आदमी है, इतना कम कर दी, कह रहा है और कम करना। हाँ भाई, जिसको कंटिन्यूसली ग्रो करना होता है ना वो कभी भी रुकता नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना मना है, थकना मना है, आगे बढ़ते रहना है। मतलब चाहे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो लेकिन इंप्रूव करते चलना है। लोअर लेवल के मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया सर और कम नहीं कर पाएंगे, सर हो गया अब बस करो सर, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है नहीं, देयर इज अ स्कोप ऑफ रिडक्शन। सोचो, दिमाग लगाओ, तुम बोलो तो मैं कंसल्टेंट हायर करके देता हूं, एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं, उनसे पूछो और क्या कम किया जा सकता है, तो ये तो सोचने की बात है ना भाई। अगर वही मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो गया होता 40 में, अरे ठीक है 40 हो गया, चल कुछ और करो, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, तो फिर कोई सोचता ही नहीं उसके बारे में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। अगर लीडरशिप ऐसी है तो नीचे वालों को भी वैसा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर इट इज बिलीव्ड दैट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑलवेज हैव अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। देखो इट इज बिलीव्ड, क्या लिखा, इट इज बिलीव्ड। देखो वाकई में कम हो पाएगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तो पॉजिटिवली, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चलूंगा। क्या आप ऑप्टिमिज्म समझ पा रहे हो यहां पर? मैं तो इस ऑप्टिमिज्म से चलूंगा कि हाँ देयर विल बी अ स्कोप, मैं इस बात को मानता हूं, आई बिलीव दैट देयर इज अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन, कुछ ना कुछ तो हम और कम कर पाएंगे।
अच्छा, नो कॉस्ट इज टर्म्ड एज लोवेस्ट एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सप्लोर्ड। तो सर आप हमें ये बताइए सर, 40 से लेके कहां तक हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं? देयर इज नो विजिबल एंड। आप 40 से 39 पहुंचे, मैनेजमेंट बोलेगा और कम करो। आप 39 से 38 पहुंचे, मैनेजमेंट बोलेगा और कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो। हमेशा ये सोचते रहने का कि और अच्छा किया जा सकता है, कभी भी ये नहीं मानने का कि बस इससे अच्छा नहीं हो पाएगा। ये एक सोच है, ये एक अप्रोच है, ये एक थिंकिंग है, ये एक एटीट्यूड है। कितने बच्चे इस बात को फिलोसॉफिकल तरीके से समझ पा रहे हैं? बेटा ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं लिखी हुई है, ये कोई मैकेनिकल बात नहीं लिखी हुई है, ये कोई फॉर्मूला, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये सोचने का एक जरिया है, एक तरीका है। राइट एवरीवन? चलो जी, ओके, परफेक्ट सर। नाउ अगली चीज आती है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो एक शब्द होता है वैल्यू चेन एनालिसिस, तो मैं थोड़ा सा नोटबुक में वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में लिख देता हूं, आप भी कॉपी जरूर करिएगा। आपको तो पता ही है कि जो भी चीजें मैं यहां पर लिखता हूं आपको सब कुछ लिखना ही है अपनी नोटबुक में, ठीक है? वैल्यू चेन एनालिसिस। अच्छा, अभी अभी तो हम हवा हवा में ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं कि सर मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, और कम किया जा सकता है, और कम किया जा सकता है, और बेटर किया जा सकता है। सर लेकिन कोई तो टिप दो, कोई तो तरीका बताओ जिससे मैनेजमेंट वाकई में रिडक्शन कर पाता होगा। तो एक अप्रोच दी हुई है वैल्यू चेन एनालिसिस। यहां क्या होता है सर, यहां पर मैनेजमेंट अपने नीचे वालों को यह डायरेक्शन देता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, कोई यहां से वहां सामान को शिफ्ट कर रहा है, कोई ये मशीन चला रहा है, कोई फलाना कर रहा है, कोई ढिमका कर रहा है, हर एक एक्टिविटी को डीपली एनालाइज करो कि हर एक एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्या वाकई में उस एक्टिविटी को करने की जरूरत है या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सारी एक्टिविटीज में से कोई भी एक एक्टिविटी जो है वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है, मतलब उस एक्टिविटी को करने से कोई फायदा नहीं है, उस एक्टिविटी को करने से कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमको उस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देना चाहिए। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी चीजें होती रहती है, तो कई बार ना मैनेजमेंट का ध्यान नहीं जाता, मैनेजमेंट का ध्यान ही नहीं जाता यार ये काम करने की जरूरत है या नहीं, बस हो रही है तो हो रही है। तो अगर हम वाकई में डेडिकेटेडली एक बार बैठे शांति से कि भाई ये चीज हो रही है, इसमें से कौन कौन सी चीज गैर जरूरी है, अननेसेसरी है, उसको हटा दो, फिर देखो कुछ कुछ खर्चे बचने लगेंगे, ठीक है? तो चलो यहीं पर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। सर डेफिनेशन दी हुई है, ईच एक्टिविटी विद इन एन एंटिटी इज सेगमेंटेड टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड। तो पूरी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी आपने बनाई और आपने उसको दो भागों में बांट दिया, कौन कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एड कर रही है, कौन कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एड नहीं कर रही है। जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट कर दो, और ये ध्यान रखो कि उन एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने से तुम्हारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या आउटपुट जो तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपसे एक मतलब डिस्क्लेमर देता हूं, अब ना इसको और ज्यादा डीपली जानने की कोशिश मत करना, क्योंकि इट्स नाउ अ बिजनेस थिंग, हम सिर्फ ओवरव्यू ही समझ सकते हैं। जब वाकई में किसी बिजनेस में उतरोगे तो इसका जवाब बिजनेसमैन या जो लोग काम कर रहे हैं उससे अच्छा कोई नहीं दे पाएगा। हम तो यहां पर ज्ञान बांट रहे हैं, पर हमको थोड़ी पता है। आज मैं तुमको बोलूंगा जाओ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में उनकी कॉस्ट कम करके दिखाओ, भाई उस कंपनी में 20-20 साल से कई लोग काम कर रहे हैं जिनको इन एंड आउट सब कुछ पता है, वो भी सोचने में लगे रहते हैं कि और क्या कम कर सकता हूं। तो तुम बाहर से जाके खाली बुक पढ़ के तुम्हें लगता है कि तुम रिडक्शन कर पाओगे? सोच के तो बताओ एक बात, मैं तुमको कुछ बुक में पढ़ा दूं और तुम जाके इंडस्ट्री में अप्लाई कर दो, तुम्हें लगता है कि रियल लाइफ वर्क्स लाइक दैट? ठीक है बुक हेल्प करती है, बट बुक जो है ना उससे बिजनेस नहीं हो सकता। मैं मानता हूं एमबीए करके बिजनेस अच्छा किया जा सकता है, लेकिन एमबीए की बुक पढ़ के बिजनेस नहीं किया जा सकता, समझते हो ना इस बात को? इट इज लाइक दैट। तो और ज्यादा पढ़ के ये मत सोचो कि अब सर हमको कुछ ऐसा बता देंगे कि हम सीए इंटरमीडिएट छोड़ के बिजनेस डाल लेंगे, सर ने हमको बिजनेस का एक सीक्रेट बता दिया। नहीं भाई, मैं कोई बड़ा बिजनेस नहीं बताऊंगा, ठीक है? मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। चलो ओके, तो ये हो गया कॉस्ट रिडक्शन। ऑलराइट एवरीवन, कूल सर, तो कॉस्ट कंट्रोल क्लियर है, कॉस्ट रिडक्शन सबको क्लियर है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कई बार थ्योरी में, कई बार पूछा जाता है पेपर में,
थ्योरी वाले क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब जब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो हमको थोड़ा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस टॉपिक के बारे में। आर यू रेडी फॉर द डिफरेंस? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ओए बातें मत करो लाइव चैट में, यहां ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हमारा यह है कि 40 रुपए में एक बॉटल बन जानी चाहिए, तो उस चीज को मेंटेन करना कि 40 में ही बॉटल बने। सर काहे की बॉटल? अरे सैनिटाइजर की बॉटल बेटा, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड। भाई अपने आप को किसी भी चीज को लेके सीमित मत करो, हमेशा इस सोच के साथ चलो, इस बिलीफ के साथ चलो कि और बेटर किया जा सकता है। सो इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड एंडेवर्स टू बेटर देम कंटिन्यूसली। एंडेवर मतलब एफर्ट्स करते रहो उसको और बेहतर बनाने के लिए। तो आई होप कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी और जो डिफरेंस में पहला पॉइंट है, काफी हद तक मैच कर रहा, अच्छे से आपको दोनों बातें समझ में आ रही हैं। नाउ कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अभी की एग्जिस्टिंग कंडीशंस में कम से कम जिस कॉस्ट तक पहुंचा जा सकता है, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन पढ़ते समय आप किसी भी एग्जिस्टिंग कंडीशन को अपनी लिमिटेशन बनने ही नहीं देते। आप किस बिलीफ से चलते हो? आप बोलते हो कॉस्ट रिडक्शन में हम किसी भी कंडीशन को परमानेंट मानते ही नहीं है। अगर कॉस्ट को कम करने के लिए हमको कंडीशन को बदलना पड़े तो हम उसको भी ब्रेक कर देते हैं, नई कंडीशंस फॉलो करने लगते हैं बेसिकली। अरे सर इस मशीन से तो इतना ही कम हो सकता है, कोई बात नहीं, लाओ इनोवेशन करो, नई मशीन बनाओ, मशीन को और इंप्रूव करो, बेटर वाली मशीन लेकर आओ। कोई भी कंडीशन को परमानेंट मत मानो, चैलेंज करो हर चीज को और बेटर करने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आपका जो इंफेसिस होता है ना, वो पास्ट और प्रेजेंट में होता है। मतलब पहले ऐसा हुआ था तो अब ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ तो हम कैसे कर पाएंगे, समझो भाई। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आपकी सोचने के जो तरीका होता है ना, आप पास्ट को देखते हो और प्रेजेंट को देखते हो कि पहले तो कोई नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा, समझ रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग मी क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ठीक है, तो अगर कॉस्ट कंट्रोल की मैं बात करूं तो इंफेसिस का मतलब होता है कि आपका मेन फोकस कहां है। सर मेरा मेन फोकस होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन को, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में। हाउएवर अगर मैं कॉस्ट रिडक्शन की बात करूं तो भाई जो है मेरे सामने है और क्या मैं फ्यूचर में कर सकता हूं ये देखता हूं। मैं पास्ट को अपना एक्सक्यूज नहीं बनने देता बच्चों, मैं पास्ट को अपना एक्सक्यूज नहीं बनने देता। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम हर चीज के पीछे ये रीजन नहीं देते कि पहले कोई नहीं कर पाया या पहले तो हम नहीं कर पाए। भैया पास्ट का हमको दलील मत दो, तुम ये देखो क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, नाउ कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शन। मतलब सर कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है, मतलब रोक रहे हैं। भैया 40 से ऊपर मत जाने, तो 40 से ऊपर मतलब आपकी सोच ही ये है कि बढ़े ना, आपकी सोच ये नहीं कि घट जाए, आपकी सोच है बढ़े ना, इट्स अ प्रिवेंटिव फंक्शन। और कॉस्ट रिडक्शन जो होता है ना वो करेक्टिव होता है, मतलब भाई कॉस्ट कंट्रोल तो अचीव हो गया है और सुधारो इसको, और ढूंढो कहां गलती है इसमें और कम करने की कोशिश करो, करेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लेकिन एक बात भाई समझा दूं आप लोगों को, जो व्यक्ति कॉस्ट कंट्रोल अचीव कर चुका होगा वही कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करे। अगर आप अभी कॉस्ट कंट्रोल ही अचीव नहीं कर पाए हो तो रिडक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, चलिए फिर लिखा हुआ है, जब आपने अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जब आपने अपने जो टारगेट सेट किए हैं, अगर वो अचीव हो जाते हैं ना तो कॉस्ट कंट्रोल वहां समाप्त हो जाता है। पर क्या आप मुझे बताएंगे कॉस्ट रिडक्शन का अंत कब होता है? व्हेन इज द एंड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन? सर कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड, कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा सर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा अब काफी हो गया सर, अब हम आते हैं हमारे अगले फंक्शन में, दैट इज अच्छा वैल्यू चेन एनालिसिस में। अगर आपको लिखना है तो बस शॉर्ट में ये लिख दो, बाइफरकेट, या लिख दो बाइफरकेट
एक्टिविटीज इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड, बायफरकेट एक्टिविटीज इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। और ये वैल्यू चेन एनालिसिस किसका पार्ट है? सर ये वैल्यू चेन एनालिसिस कॉस्ट रिडक्शन का पार्ट है। ठीक है चलो, अक्षत ने कितनी बढ़िया बात बोली, सर अगर हमारी कॉस्ट निल हो गई तो और कैसे रिड्यूस करेंगे? सर देखो बेटा, ऐसा है कि कॉस्ट निल तो कभी हो ही नहीं सकती ना। तुमने इतना सस्ता करवा लिया, इतना सस्ता करवा लिया, इतना एफिशिएंट हो गए तुम कि तुम्हारा सप्लायर तुमको फ्री में मटेरियल दे देता, तुम्हारा रेंट फ्री में हो जाता है, तुमसे रेंट वाला रेंट नहीं लेता, तुम्हारे लेबर फ्री में काम कर लेते हैं। क्या सोच है तेरी भाई, क्या इमेजिनेशन है तेरा, काश ऐसी आइडियल दुनिया एग्जिस्ट करती। ठीक है, क्या बोल रहे भाई तुम यार। चलो जीरो कॉस्ट आ गई तो और कैसे रिड्यूस करेंगे? अरे थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल सोचो यार। चलो नो प्रॉब्लम। असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, अगला पार्ट आता सर हमें। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज असिस्टिंग मैनेजमेंट अब तुमको मैं बताऊंगा कि भाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, इस पॉइंट की मदद से देखो भाई, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी करते हैं ना वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बेसिकली उनका जो एक्सपर्टीज एरिया होता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं ना, कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, कॉरपोरेट लॉ से इर्द गिर्द जो भी रूल्स हैं, उनमें जो भी फाइलिंग्स करनी है, उसके एक्सपर्ट है कौन? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है सर, फैक्ट्रीज के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स कौन है सर? CWA या CMA, इनको पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बोलते थे, आज के समय में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, जब हमको तो वो काम करना ही नहीं है, उसके लिए तो अलग से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग सर क्यों पढ़ रहे हैं? अब मैं बताता हूं सर, हम ना आप समझो एक CA को कम मत आको भाई, अंडर एस्टिमेट मत करो, एक CA जो है ना एक बिजनेस के ओनर को सपोर्ट देता है, इस तरीके से सपोर्ट देता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करवा पाए। आज एक कंपनी का ओनर है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अपने CA को अपना एक एडवाइजर मानता है और उससे मिलने आता है, उससे कहता है कि यार मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा है, मैं बीट नहीं कर पा रहा हूं, कॉस्ट मेरी काफी ज्यादा जा रही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके बिजनेस का नॉलेज है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स का भी नॉलेज है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें बताएगा उसको कि वो उन डिसीजन से अपने बिजनेस से जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। पर मैं अगर किसी को एडवाइस करने जा रहा हूं और मेरे को खुद ही ज्ञान नहीं है, मैं क्या ही एडवाइस करूंगा, तुम बताओ मेरे को। मैं किसी को एडवाइस करने जा रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई कैन नॉट से माई क्लाइंट आई डोंट नो दिस थिंग, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टाइज, आई एम आउट, आई कैन नॉट से दैट, आई नीड टू नो एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा कुछ डीप में जाना होगा तो हम किसी तीसरे कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करके उससे एडवाइस लेंगे, लेकिन एक बेसिक लेवल का आइडिया मेरे को भी हर चीज का होना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ का भी होना चाहिए, कॉस्टिंग का भी होना चाहिए। अब क्या होता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो ऑपरेशनल काम हैं, वाकई में कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, वाकई में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगी, मैं इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मैं एक चीज में जरूर फोकस करूंगा कि कॉस्ट के रिकॉर्ड से ऐसा क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो रिकॉर्ड्स बनाना, कैलकुलेशंस करना, ये सब इसलिए सीख रहे हैं
ताकि हम दूसरों के चेक कर पाए, हमें करना नहीं है वो। लेकिन असली काम हमारा क्या है बताइए? सर हमारा असली काम यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है ना, उन इंफॉर्मेशन को यूज करके मैनेजमेंट को हेल्प करवाएं, मैनेजमेंट को मदद करें कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग को और बेटर बना पाए बाय सप्लाइंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। तो सर ये जो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है, असिस्टेंस मिलता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो अभी तक जो हमने चार पार्ट पढ़े थे ना, वो कॉस्ट स्पेसिफिक थे। अब मैनेजमेंट स्पेसिफिक पॉइंट आ गया कि कैसे कॉस्ट एंड कॉस्टिंग सिस्टम से या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता क्या है? आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म कर दिया, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया, 1 मई के दिन आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बन के आया पिछले फाइनेंशियल ईयर का, 1 महीना लग गया उसको फाइनलाइज करने में। अब उस बैलेंस शीट को देखकर क्या तुम तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंजेस कर सकते हो बताओ? तुमने कुछ गलतियां करी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट देखकर पता चल रही है, क्या तुम अब उनको सुधार सकते हो पीछे जाके? क्या बोलते तुम? नहीं सर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है रिपोर्टिंग, और इस रिपोर्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिनके पैसे लगे हैं उनको हम बता पाए कि आपके पैसों का हमने साल भर में कहां उपयोग किया, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना लॉस किया, कितना वैल्यूएशन हुआ, जो भी व्हाटसोएवर, ये एक हिसाब किताब है। लेकिन कॉस्टिंग ऐसा नहीं है सर। कॉस्टिंग ना आपको गाइडेंस देता है, कॉस्टिंग रियल टाइम में चलता रहता है। कॉस्टिंग में कोई ऐसा एनुअल रिपोर्टिंग या मंथली रिपोर्टिंग नहीं होती। कॉस्टिंग में मैनेजमेंट को जब डेटा चाहिए तब डेटा दिया जाता है, कॉस्टिंग में मैनेजमेंट जो मांगे वो दिया जाता है। हर चीज का कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है, जो मैनेजमेंट को चाहिए वो देना है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसके लिए कोई 31 मार्च तक नहीं रुकता। आज मान लो तुम्हारे सामने कस्टमर है और कस्टमर तुमसे पूछने आता है, क्यों भाई ये चीज कितने का दोगे? तो तुमने बोला मैं आपको 31 मार्च के बाद जब 30 अप्रैल तक मेरी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी ना, तब प्रॉफिटेबिलिटी चेक करके फिर बताऊंगा कि मैं कितने में बेच पाऊंगा। ऐसा होता क्या बिजनेस? क्यों भाई, ऐसे बिजनेस होता है क्या कि आप बोलते कि मेरा पहले बुक्स क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं मेरी कॉस्ट निकालूंगा और उसके बाद फिर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा कितने में बेचूंगा। हो गया फिर तो बंटाधार तुम्हारे बिजनेस का है, तो हद हो गई यार। मतलब चलो कोई ना, तो अब मैं आ जाऊं असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट सर, आ जाइए सर। तो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो कि असिस्ट करती हैं, हेल्प करती है मैनेजमेंट को। किस चीज में? सर प्लान करने में, अपने बिजनेस को प्लान करने में कि मुझे आगे जाके कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, मुझे कहाँ नई ब्रांचेस खोलनी है, इस तरीके की प्लानिंग, उनको इम्प्लीमेंट करने में कि अगर हमने कोई प्लान बनाया है तो वाकई में ग्राउंड लेवल में ये चीज़ करें तो कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या ध्यान रखना है, कहाँ क्या खर्चा हो रहा है। मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। सो बेसिकली यार देखो, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हर चीज़ में कॉस्ट के द्वारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होता है जो वो हेल्प में लेते हैं। ठीक है, तो वी आर जस्ट सपोर्टिंग द मैनेजमेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग। नाउ अ रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नॉट ओनली प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इंटरनल टू द इंडस्ट्री बट एक्सटर्नल ऑल्सो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में धांसू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है ना, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सारा डेटा तो देगा मैनेजमेंट को, इसके अलावा उस टीम में कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सूत्रों से भी खबर लेकर आएंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है, कंपटीशन में क्या चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट जब अपनी प्लानिंग या अपने डिसीजन करता है ना, तो अपने कॉम्पिटिटर पर भी नजर होनी चाहिए। तो एक धांसू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम तब अच्छा कहलाता है जब वो खुद की सारी इंफॉर्मेशन तो बढ़िया तरीके से मेंटेन करे, इसके अलावा एक्सटर्नल डेटा भी उसके पास हो, गुप्त सूत्रों से भी जानकारियों का पता करते रहे। ठीक है, चलो ऑलराइट।
तो ये हो गया असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कूल सर, तो इसमें मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, तुम समझ गए हो कि बेसिकली उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव था असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर एक्यूमुलेट करते हो, असाइन करते हो, असर्टेन करते हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव तुमने मेरे साथ पढ़ा कि कॉस्ट निकालकर मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकता हूं, या कॉस्ट निकालकर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं ताकि निगोशिएशन कर पाऊं। तीसरा ऑब्जेक्टिव तुमने मेरे साथ पढ़ा कॉस्ट कंट्रोल, कि कैसे हम अपने स्टैंडर्ड लेवल तक अपनी कॉस्ट को मेंटेन रख सकते हैं। चौथा तुमने पढ़ा और बेटर करने के लिए, मार्केट को बीट करने के लिए कैसे कॉस्ट रिडक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है। और पांचवा आइडिया तुमने पढ़ा सर कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई होती है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। यही हमारे इस पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, पांच ऑब्जेक्टिव। क्लियर है सर, डन, बस और ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत हमको नहीं। नाउ बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, तो अब मैं यहां पर टाइटल डाल रहा हूं बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। अब ये जो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं ना बेटा, यहां से वो हर शब्द आएगा जो मुझे प्रैक्टिकल पोर्शन को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सर, जानना जरूरी है बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। याद है कल मैंने एक शब्द बोला था जिसके बारे में फिर मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट शब्द का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट शब्द का सिंपल मतलब यह है, Anything for which a separate measurement of cost is required, anything for which a separate measurement of cost. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको समझाने के लिए। देखो, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग एंटिटीज में अलग अलग चीजों की कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी चाहती है कि ये पता कर पाए कि उसकी एक ब्रांच को एक महीने तक ऑपरेट करने के खर्चे क्या आ रहे हैं। किसी एक एंटिटी में ऑर्गेनाइजेशन ये चाह सकती है कि उसके एक डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना आ रहा है। किसी एक एंटिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाह सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है। जैसे मान लो केसीओ कंपनी है, केसीओ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू नो कि उसका इस मॉडल का एक कैलकुलेटर उसको कितने रुपए का पड़ता है। व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वन यूनिट ऑफ दिस MJ12D मॉडल ऑफ द कैलसी। तो अलग अलग चीजों की कॉस्ट मेजरमेंट अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट। तो जिस भी चीज की कॉस्ट निकल रही है, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक एयरलाइन कंपनी होगी ना, जैसे कि इंडिगो, एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इंडिगो जो है, दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि मुंबई से लेके बैंगलोर तक की जो फ्लाइट है सुबह 11 बजे जो मुंबई से निकलती है, उसको ऑपरेट करने में हमको कितना खर्चा आता है एक फ्लाइट का। तो उस फ्लाइट में ये क्रू जाता है, उस फ्लाइट में इतना फ्यूल लगता है, इतना मेंटेनेंस का खर्चा आता है, इतना फूड का खर्चा आता है, व्हाटसोएवर। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की कॉस्ट निकालना हमारा पर्पस हो सकता है। तो जिस चीज की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं उस चीज को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइनिंग हीरो उसमें कुछ भी नहीं है, बस उसका टाइटल लिख दिया, बाकी मैंने समझा दिया आपको बुक में से पढ़ के उसको, ठीक। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए, लेट्स कम टू इट। जैसे टाटा मोटर्स टाटा एज बनाता है छोटा हाथी, तो छोटा हाथी का एक मॉडल है एज गोल्ड पेट्रोल।
अब टाटा मोटर्स विल बी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन वन यूनिट ऑफ दिस व्हीकल द टाटा इज गोल्ड। जब उसको कॉस्ट पता होगी तभी वो उसके मार्केट में प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, बताइए मुझे। तो इन दिस एग्जाम्पल या इस इमेज के हिसाब से मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं दैट टाटा इस व्हीकल इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर टाटा मोटर्स। इंडियन रेलवेज अलग अलग ट्रेन चलाती, अलग अलग एक्सप्रेस चलाती, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, सो मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, तो रेलवे ये कैलकुलेट करता होगा कि इस वंदे भारत को चलाने में, इसकी एक ट्रिप को करने में इंडियन रेलवे को कितना खर्चा आ रहा है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप ऑफ वन वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद या फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, उससे उनको ये पता चलेगा कि उस पूरी ट्रिप का कॉस्ट कितना है, ठीक है, उसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कितना पैसा वसूल करना है, फिर कितने ऑन एन एवरेज पैसेंजर होते तो वो प्राइस डिसाइड कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग वंदे भारत एक्सप्रेस इन वन ट्रिप हमें निकालने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, तो दिस वंदे भारत एक्सप्रेस की वन ट्रिप विल बिकम अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंडियन रेलवेज। तो जिस चीज की हमें कॉस्ट निकालनी है वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सो वन ट्रिप ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंडियन रेलवे। आपको क्या लगता है, मैंने दो एग्जांपल दिए तो क्या इसका कोई फिक्स लिस्ट होगा कि इस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते होंगे? सर ऐसे तो अनगिनत चीजें हैं ना जिसकी कॉस्ट निकालने की के लिए इंटरेस्टेड होगा मैनेजमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखो, सो आइए मेरे साथ डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ अ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। इट मे बी अ प्रोडक्ट, जैसे एप्पल INC इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ iPhone 15। सो इट मे बी अ प्रोडक्ट, इट मे बी अ सर्विस, सर्विस जो अभी मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस की एक ट्रिप के बारे में बात करी, इट्स अ सर्विस। प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन के काम करता है, तो उसने एक बंदे से घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, तो अब उसके लिए वो एक प्रोजेक्ट हो गया। नाउ जब उसको ये प्राइस देना होगा ना बिल्डर को कि मैं आपको ये घर कितने रुपए में बना के दूंगा, तो पहले वो खुद उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल लेगा। तो यहां पर बिल्डर इज इंटरेस्टेड टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट बिकम्स अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट। कस्टमर, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर कस्टमर लिमिटेड होते हैं, चार पांच कस्टमर ही होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होता है ये जानने में कि इस कस्टमर को मैंने साल भर में 5 करोड़ रुपीज की सेल करी है, तो इस कस्टमर को साल भर में कितना खर्चा लगा है हमारी तरफ से, जो भी हमने उसको प्रोडक्ट दिए हैं सर्विसेज दिए हैं उसमें हमें कितना खर्च हुआ है। सो वी मे बी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कस्टमर फॉर अस। अ ब्रांड कैटेगरी, एन एक्टिविटी, अ डिपार्टमेंट, अ प्रोग्राम, देयर कैन बी एनीथिंग ब्रो, एनीथिंग। नाउ प्रोडक्ट, टाटा इज फॉर टाटा मोटर्स, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन फॉर इंडियन रेलवेज। अच्छा, इंफोसिस लिमिटेड कंपनी जानते हो आप लोग, IT कंपनी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंफोसिस को आज से कुछ साल पहले काम दिया था कि आपको नई वेबसाइट बनानी है इनकम टैक्स की, न्यू वेबसाइट, तो ये उनके लिए प्रोजेक्ट हो गया। सो प्रोजेक्ट ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस विल बी इंटरेस्टेड टू नो
कि इस वेबसाइट को बनाने में उनको कितना खर्चा आएगा. सो इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर देम. नाउ पिग आयरन कास्टिंग फॉर एन स्टील प्लांट प्रोसेस. आपको पता है आयरन की कास्टिंग होती है, तो एक प्रोसेस होती है पिग आयरन कास्टिंग, जो कि तुम गूगल कर लेना क्या होती है. तो पिग आयरन कास्टिंग की पूरी प्रोसेस में एक महीने में ऑर्गेनाइजेशन को कितना खर्चा आता है, ये वो स्टील प्लांट जानना चाहता है. सो एक प्रोसेस उनके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन गया कि इस प्रोसेस में टोटल कितना खर्चा आता है. डिपार्टमेंट, एक कंपनी ये जानना चाहती है कि एक पूरे साल में उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कितने खर्चे इनकर किए. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिकम्स अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनी. ठीक है, इतना काफी है. ठीक है, चलो अब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा और आज मैं फिर आप लोगों को पढ़ा देता हूं. कॉस्ट ऑब्जेक्ट टॉपिक ही चल रहा है हमारा. कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं एक खास बात जो पुरानी है वो आप लोगों को याद दिलवाना चाहता हूं, एंड दैट इज सर डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट. क्या मतलब होता है इसका? अ कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसेबल कॉस्ट. मतलब जैसे समझना, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है मान लो एक प्रोडक्ट. तो मुझे पता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे मटेरियल 500 रुपए का लगा है. सो मटेरियल की कॉस्ट मेरे लिए वहां ट्रेसेबल हो गई. लेकिन उस मटेरियल या उस प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री का कितना रेंट लगा है, क्या ये तुम पता कर सकते हो? नहीं, क्योंकि रेंट तो एक कॉमन खर्चा है. तो रेंट का खर्चा बिकम्स अ इनडायरेक्ट नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. तो कभी भी कोई पर्टिकुलर कॉस्ट तुम्हारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेस की जा सकती है कि इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली कितने रुपए की कॉस्ट लगी है उसकी, तो इट बिकम्स ट्रेसेबल. अगर ट्रेस नहीं की जा सकती तो इट बिकम्स नॉन ट्रेसेबल. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, पहले इसकी दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूं इस चीज को लेकर. इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. सो कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. चलिए सर, अब एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल आने वाला है हमारा. ठीक है, उस क्लासिक एग्जाम्पल के बाद आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रेसेबिलिटी और नॉन ट्रेसेबिलिटी के सिचुएशन में कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों बातें की जा रही है. समझते हैं सर एग्जाम्पल. सबसे पहले सो ACM कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्किंग ऑन बिग हाईवे प्रोजेक्ट्स. तो बेटा एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ACM कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम लेती है, मतलब हाईवे बनाने का काम लेती है. ठीक है, नाउ देयर इज अ स्मॉल contractor named as मुन्ना ठेकेदार. भाई छोटी जगह में तो काम आम होता है, घर वर का, रिनोवेशन इनोवेशन का, तो ठेकेदार लोग रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होती. तो एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है मुन्ना ठेकेदार, टेक्स
स्मॉल हाउसिंग रिनोवेशन वर्क्स। तो समझना भाई, एसीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना, वो बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स लेती है, और जो तुम्हारा मुन्ना ठेकेदार है ना, वो तो छोटे मोटे रेनोवेशन के काम लेता है कि भैया वहाँ पे वो बाउंड्री वॉल बना देना, वो बाउंड्री वॉल टूट गई उसको रिपेयरिंग कर लेना, मरम्मत करवा देना, इस टाइप के काम लेता है। ठीक है, चलो। नाउ नाउ अ सिविल इंजीनियर नेम्ड अ सिविल इंजीनियर नेम्ड जितेंद्र। तो मान लो कि जीतू भैया जो है ना, उन्होंने सिविल इंजीनियर किया हुआ है। तो एक सिविल इंजीनियर है जिनका नाम है जितेंद्र, जीतू भैया, जीतू। एक सिविल इंजीनियर है नेम्ड जितेंद्र, इज हैविंग एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। टेल अस द ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी पेड टू, सैलरी पेड टू जीतू अंडर बोथ सिनेरियो। तो यहां तक लिखो पहले। तो भाई तीन एंटिटी यहां पर आ गई ना, एक है एसीएम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक है मुन्ना ठेकेदार, और एक है जीतू। तो जीतू एक सिविल इंजीनियर है जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, और एक बड़ी कंपनी भी है, और एक मुन्ना ठेकेदार भी है। अब मैं दो सिनेरियो बनाने वाला हूं, दोनों सिनेरियो में तुम्हें मुझे ये बताना है कि जीतू को जो सैलरी पे हो रही है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। टेल अस द ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी पेड अंडर बोथ सिनेरियोस टू जीतू भैया। ठीक है, पहला सिनेरियो, पहला सिनेरियो ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन एसीएम लिमिटेड एंड डेडिकेटेड टू अ 3 ईयर्स हाईवे प्रोजेक्ट। सिटी ए टू बी। तो पहली सिचुएशन वो है जहां पर जीतू भैया को ना एसीएम कंपनी में नौकरी मिल गई है, और जीतू भैया को एसीएम कंपनी ने एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो सिटी ए और बी के बीच में बन रहा है, वहां 3 साल के लिए डाल दिया कि 3 साल तुमको अब वहीं रहना है, यही रोड वाले प्रोजेक्ट में काम करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक। हाउएवर सेकेंड सिनेरियो वो होगा जहां ही इज वर्किंग अंडर मुन्ना ठेकेदार एंड सुपरवाइजिंग सुपरवाइजिंग मल्टीपल सुपरवाइजिंग मल्टीपल स्मॉल वर्क इन फुलेरा विलेज। लो भाई, सचिव जी का ट्रांसफर हो गया, सचिव जी ने जॉब छोड़ दी, अब उनको ठेकेदारी का काम दे दिया, ठेकेदार ने अपने पास रख लिया। देख रहे हो विनोद, इनसे फुलेरा छूट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, और दोनों सिचुएशंस में अब हमको ट्रीटमेंट बताना है। तो अब मैं इसका आंसर लिखता हूं। ठीक है, पार्ट नंबर 1।
इन पार्ट नंबर वन कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज हाईवे प्रोजेक्ट, ए टू बी एंड हाईवे प्रोजेक्ट ए टू बी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज हाईवे प्रोजेक्ट ए टू बी एंड सैलरी सैलरी पर मंथ ऑफ जीतू इज ट्रेसेबल टू द प्रोजेक्ट, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट. आप समझने की कोशिश करिए बच्चों, अगर एसीएम कंपनी जीतू की सैलरी को कैसे ट्रीटमेंट देना इसके बारे में सोचे ना, तो क्या बोलेंगे कि देखो एसीएम कंपनी का एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है हाईवे प्रोजेक्ट, उस हाईवे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट निकालते समय जीतू की सैलरी उस पर डेडिकेटेडली एलोकेट हो जाएगी. तो जीतू कोई कॉमन काम तो कर नहीं रहा, वो स्पेसिफिकली एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. तो जब उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकलेगी, जीतू की पूरी सैलरी उसमें काउंट होगी. तो द कॉस्ट ऑफ द सैलरी ऑफ जीतू is completely traceable to the cost of the project of this highway. So in that case, this salary becomes traceable cost, matlab direct cost. However, in the second scenario, salary paid here, aisa nahi likhta, sorry. Jeetu is supervising multiple projects, so we cannot trace his salary to a particular cost object. Hence, it will be treated as indirect cost. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक आपसे जनरल सवाल पूछता हूं. क्या आप मुझे बताएंगे सैलरी ऑफ अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ ट्रेसेबल कॉस्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट? क्या लगता है आपको? इन अ कंपनी भी नहीं बोल रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं, सैलरी ऑफ अ सिविल इंजीनियर इज अ ट्रेसेबल कॉस्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट? सर, एक्सपेंस आइटम के नाम से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ट्रेसेबल है या नॉन ट्रेसेबल है. डिपेंड्स, आशीष का बिल्कुल सही आंसर है, डिपेंड्स ना. अरे समझो तो भाई, यही तो इस एग्जाम्पल का क्रक्स है जो आप समझे नहीं बिल्कुल भी, कि एक बंदे की सैलरी ट्रेसेबल होगी या नॉन ट्रेसेबल होगी, ये तो पूरी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी सैलरी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में ट्रेस हो पा रही है या नहीं हो पा रही है. दो अलग अलग कंपनी में सेम बंदा काम कर रहा था, एक जगह पर उसकी सैलरी वो कंपनी एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट कर रही थी, दूसरी कंपनी जो छोटी कंपनी थी जहां पर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो उसकी सैलरी एक कॉमन खर्चा थी, तो ट्रेसेबल नहीं थी, इट वॉज नॉन ट्रेसेबल. मतलब सर, ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे. अगर तुम्हारा खर्चा कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेस हो पा रहा है तो ट्रेसेबल, अगर तुम्हारा खर्चा किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो नॉन ट्रेसेबल. मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना बड़ा एग्जांपल लिया था आपके लिए, ठीक है. आदित्य बेटा, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. अगर तुम इस एग्जांपल को सिंपल वे में मेरे साथ समझोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड. मैं एक बार पूरा एग्जाम्पल रिपीट करता हूं, है ना. आप अपने डाउट को वापस लीजिए, पूरी सिचुएशन को फिर से सुनिए और फिर सोचना कि वापस वो डाउट है भी या नहीं, ठीक है. चलो तो लिसन सर, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉस्ट ट्रेसेबल है या नॉन ट्रेसेबल, ये कैसे पता करते हैं, ये पढ़ रहे हैं. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कॉस्ट क्या ली है, सैलरी ऑफ अ सिविल इंजीनियर. एक सिविल इंजीनियर है जिसका नाम है जीतू. दो सिचुएशन है, अगर वो जीतू एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और वहां पर उसको क्या काम दिया गया है कि आपको 3 साल तक इसी हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, और उस बड़ी कंपनी के लिए वो हाईवे प्रोजेक्ट ना एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है.
तो जब वो बड़ी कंपनी अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी, जब वो बड़ी कंपनी अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी, तो उस बड़ी कंपनी के लिए जीतू की सैलरी उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का ही एक पार्ट होगी, कि जब हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालेंगे तो जीतू की सैलरी को टोटल टोटल पूरा पूरा ऐड कर लेंगे उसमें। तो वो बड़ी कंपनी वाले केस में जीतू की सैलरी का जो पोर्शन है ना, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्ट में कितने रुपए की सैलरी लगी है जीतू की। हाउएवर जब मैं मुन्ना ठेकेदार वाले केस में जाता हूं, तो वहां मुन्ना ठेकेदार जब जीतू को सैलरी पे करता है, तो मुन्ना ठेकेदार जब अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, तो इस सैलरी को डायरेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट मिलेगा सर? क्योंकि वो जीतू से बहुत सारे काम करवा रहा है, वो जीतू को एक पर्टिकुलर काम के लिए सैलरी नहीं दे रहा है। तो जीतू की सैलरी मुन्ना वाले केस में कॉमन खर्चा है, आप ट्रेस नहीं कर सकते कि वो उस रिनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए था, इस छोटे वाले प्रोजेक्ट के लिए था, या उस छोटे वाले काम के लिए था। जीतू तो दिन में चार चार जगह पर जाता है, मिस्त्री लोग काम कर रहे हो तो उनको सुपरवाइज करके आ जाता है। तो मुन्ना ठेकेदार वाले केस में उसकी सैलरी इनडायरेक्ट बन जाती है, ठीक है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, पता नहीं भाई ये डाउट है कि बता रहे हो कि पूछ रहे हो, आई डोंट नो। सर डायरेक्ट कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट भी तो बोल सकते हैं ऐसे? तो नहीं बेटा, नहीं बोल सकते। इनफैक्ट तुमने बिल्कुल उल्टा बोल दिया, और मैं तो बोलता हूँ कि इसका जवाब मैं अभी नहीं देता, थोड़ा रुक जाओ, ऐसी कोई ओपिनियन या कंक्लूजन बनाने से पहले रुक जाओ, क्योंकि इसी बेसिक्स वाले पार्ट में हम लोग फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर मुन्ना वाले केस में अगर एक ही प्रोजेक्ट होता तो क्या होता? तो ट्रेसेबल हो जाता है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, क्या हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सैलरी को डायरेक्ट लेना या इनडायरेक्ट, या फिर वो सिचुएशन देख के पता चलता है? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जाम्पल इज कि आप ये समझो कि किसी भी चीज को याद नहीं किया जाता, कोई कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये याद नहीं करना पड़ता, ये परिस्थिति को देख के डिसाइड करना पड़ता है, ये समझा रहा हूं, है ना राहुल? जैसे समझ गया उस बात को? हाँ, तो इसीलिए तो मैंने लिखा है सर कि किसी कॉस्ट को आप डायरेक्ट क्लासिफाई करोगे या इनडायरेक्ट क्लासिफाई करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो कॉस्ट उसमें समाहित हो जाती है, तो वो डायरेक्ट बन जाती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं तो कॉस्ट कॉमन रह जाती है, तो वो इनडायरेक्ट बन जाता है, ठीक? चलो अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ज्यादा मैं इसको बताऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, ओवर द पीरियड धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, ठीक है? चलो अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लो सारे बच्चे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो दिया हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर रेडिली आइडेंटिफाइड एंड आर ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर नॉट ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो दीज कॉस्ट मे बियर सम फंक्शनल रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन एंड मे वेरी विथ आउटपुट इन सम डेफिनेट वे। ये वाली लाइन को इग्नोर करो, अभी इस पर जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने समझाया बस उस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखो कि सर मैं कभी भी ऐसे इमेच्योर बिहेवियर नहीं करूंगा सर कि मैं ऐसा बोल दूं कि ये कॉस्ट डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट में याद कर लूं, ये तरीका ही गलत है। हमारे एग्जाम्पल में दोनों ही जगह सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर थी, लेकिन एक सिचुएशन में आपने उसको एज अ डायरेक्ट लिया, एक सिचुएशन में एज अ इनडायरेक्ट लिया। तो ये इस पर निर्भर नहीं करता कि खर्चा क्या है, सिचुएशन पर निर्भर करता है, ठीक है ना? अब आती कॉस्ट यूनिट। जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में या सर्विस एंटिटी में जाते हो ना, तो कॉस्ट को मेजर करने की हर जगह यूनिट्स होती है, यूनिट्स। जैसे एक सीमेंट इंडस्ट्री होगी ना, तो सीमेंट वाले जब ट्रक में सीमेंट बेचते हैं ना, तो पर टन के हिसाब से रेट उनका फिक्स होता है, तो वो इंटरेस्टेड होंगे ये चेक करने में कि उनके पर टन की कॉस्ट क्या आ रही है। वही अगर मैं बोलूं, जब सीमेंट लोअर लेवल पर बिकती है, बोरी बोरी होती है ना सीमेंट की बोरी, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है तब तो ट्रक के ट्रक जाते हैं टन लेवल पर, जब थोड़ी थोड़ी सीमेंट बिकती है रिटेलर जो बेचते हैं तो वो बैग लेवल पर होती है, तो रिटेलर विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि भाई एक बैग ऑफ सीमेंट उसको कितने रुपए का पड़ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट पर बैग। तो हमेशा जब कॉस्ट मेजर की जाती है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होती है, और उसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट तो बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, केमिकल्स के मेजरमेंट कैसे होते हैं सर? केमिकल्स के मेजरमेंट होते हैं कॉस्ट पर लीटर, पर गैलन। इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट कैसा होता पता आपको?
आपके यहाँ जो भैया आते हैं जो मीटर में रीडिंग लेते हैं, कभी उनको देखा है आपने जाके? जो भैया आते हैं मीटर में रीडिंग लेते हैं ना, वो यहाँ पर यहाँ से यूनिट उठाते हैं, और वो यूनिट एक्चुअली कौन सी होती है? KWH। KWH का मतलब होता है kWh। तो मैं आपको kWh का भी डेरिवेशन बताऊंगा, वो भी समझाऊंगा क्या होता है, पर जब समय आएगा तब। अच्छा, जब एक ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई कंपनी बस चला रही, लोकल बस, तो वो लोग अपने कॉस्ट कैसे निकालते होंगे पता? वो ये चेक करते होंगे कि भाई उनका 1 किलोमीटर में एक पैसेंजर को कैरी करने का कितना खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से फिर वो अपने प्राइस डिसाइड करते होंगे कि एक बंदे से 1 किलोमीटर का कितना पैसा लेना है, लोकल बस वाले। ठीक है, तो वो उनकी कॉस्ट यूनिट होती है पैसेंजर किलोमीटर। एजुकेशन वाले पर कोर्स निकालते हैं, पर बैच निकालते हैं, जैसे हम लोग पर बैच निकालते हैं क्या कॉस्ट आ रही है। उसके बाद समझ रहे हो ना मेरी बात को क्या बोल रहा हूँ? गैलन बेटा लिक्विड की एक यूनिट होती है, और ऐसी चीजें अगर आती है ना तो आपको स्पैम करने की जरूरत नहीं है। ये ना टॉपिक नहीं है, ये कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हो? तो आप इसको गूगल भी कर सकते हो, ऐसी कुछ वर्डिंग्स आती हैं तो स्पैम मत करा कीजिए कीजिए ठीक है? चलो, क्योंकि वो चीज़ें छूट भी जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप उसको गूगल कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलो, स्पैम तो बिल्कुल करना ही मत। अगर तुमने स्पैम किया मतलब तुम समझ जाओ कि तुम मेरी नज़रों में गिर गए। फिर जो जो स्पैम करता है ना, उसका डाउट तो मैं बिल्कुल नहीं पड़ता, उसको ब्लॉक भी नहीं करता, स्पैम होने देता हूँ, ताकि उसको ऐसा लगे कि मेरे को जबरदस्त इग्नोर किया जा रहा है। वो 10 मैसेज करेगा तो एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा, और बाकी लोग एक एक मैसेज करेंगे तो भी उनको जवाब दूंगा, तो उसको और खराब लगेगा कि मैं तो 10 मैसेज कर रहा हूं, मेरे मैसेज ही नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे तेरे मैसेज, क्योंकि तू 10 बार कर रहा है, तो एक बार मैसेज करेगा तो दिखेंगे, तू 10 बार करेगा तो मेरे को दिखेंगे ही नहीं। यही पॉलिसी वही है मेरी, और तेरे को ब्लॉक भी नहीं करूंगा मैं, सब तेरे को देखेंगे कि ये गजब बेइज्जती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कॉस्ट यूनिट तुमने समझा ना, सीमेंट पर टन, केमिकल पर लीटर, इलेक्ट्रिसिटी पर KWH। अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें भी डाउट आए तुमको, अपने जीवन में देख लो, हजारों चीज तुमको दिख जाएंगी जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो ये सिर्फ छोटी सी बात थी जो मैंने तुमको बता दी, ठीक है, यूनिट्स की। जैसे देखो, तुम प्राइजेस देखने जाओगे सीमेंट का, तो पर टन में लिखा हुआ है TMT, बार बार मतलब वो सरिया। ये सीमेंट के प्राइजेस हैं पर KG, पर बैग, पर टन, है ना? इस तरीके से होता है भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज है नहीं। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में। तो सभी बच्चे पहले मेरे साथ हो, यहां पर रिवाइज करते चलें। सर, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। कॉस्टिंग का मतलब पूरी प्रोसेस, कैसे कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट लीडरशिप मतलब सर ऐसे अचीव करना कि बहुत ज्यादा बनाऊं, कम कॉस्ट में बनाऊं, ताकि मार्केट में लीडर बन जाऊं। उसके बाद आपने मेरे साथ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव पढ़े। कॉस्ट कैलकुलेट करना, असर्टेनमेंट, अक्यूमुलेट, असाइन, असर्टेनमेंट। फिर आपने मेरे साथ पढ़ा क्या, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। फिर जो कॉस्ट में से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैनेजमेंट यूज करता है, तो असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपने मेरे साथ पढ़ा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिस भी पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट निकल रही है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर ही निर्भर करता है कि किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को आप डायरेक्ट मानोगे या इनडायरेक्ट मानोगे। कोई तुमसे पूछता है ना कि क्यों भाई इस बंदे की सैलरी को क्या मानू मैं, तो तुम बोलोगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है पहले बताओ, किसकी कॉस्ट निकाल रहे हो, इस बंदे की कॉस्ट को डायरेक्ट लेना है इनडायरेक्ट लेना है, उसके पहले सवाल यह आना चाहिए कि मैं कॉस्ट किस चीज की निकाल रहा हूं, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट यूनिट्स। तो अलग अलग इंडस्ट्री में कॉस्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। कहीं केमिकल है तो भाई लीटर में होगा, कहीं सीमेंट है तो टन में होगा, स्टील है तो टन में होगा, सर्विसेज है तो उनका अलग ही यूनिट चलता है, पैसेंजर, किलोमीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। तो अगला शब्द है हमारे लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रेफरेंस जो है ना आपके पूरे सिलेबस में कई बार होगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का भी होता है, इसका भी बहुत होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस रह नहीं गया है बेटा, मैंने ये बोला था कि वैल्यू चेन एनालिसिस में जितना लिखा है ना उतना ही लिखे रहने दो बस। ठीक है,
रह नहीं गया था, मैंने बताया भी था वैल्यू एडेड एक्टिविटी अलग होता है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी अलग होता है, और जो नॉन वैल्यू वाली एक्टिविटीज होती है उनको हटा दो तो इस तरीके से कॉस्ट कम की जा सकती है। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे तुम लोगों का बीच में बोल देना कि ये रह गया वो रह गया, ऐसा कुछ नहीं होता यार, गो विद द फ्लो यार, इतना लोड मत लिया करो। सर आपने वो लाइन नहीं बताई, सर वो शब्द रह गया बुक में लिखा हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस, इफ यू विल गो विद दैट अप्रोच ना, ये शब्द क्या रह गया, इसको क्यों नहीं बताया सर ने, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द थिंग्स। ये सब थ्योरी वोरी लिखना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्ट का हमारा, ठीक है। चलो नहीं 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा, अब 9:30 बजे आपको ब्रेक मिलेगा 15 मिनट का, ठीक है। तो 1.5 घंटे में ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, सबसे सही पॉलिसी। अच्छे से पूरा ब्रेक ले लो, ऐसा लगना चाहिए कि नया क्लास ही चालू हो रहा है, ठीक है। तो 13 मिनट और खींच लो, फिर 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है। ये लो सर, तो अगला टॉपिक हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, उसके बाद प्रॉफिट सेंटर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये 4 चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। जितना अच्छा आप इनको इनके एग्जाम्पल्स की मदद से समझोगे ना तो बेटर रहेगा। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स में चलते हैं और इन सब के टर्म्स की मीनिंग समझते हैं, फिर इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर इनकी अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड है, ये कंपनी है, ठीक है। अब डाबर इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है ना, उसको पता है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट? इट्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी ट्रीटेड लाइक अ कॉस्ट सेंटर, मतलब हर साल फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये देखा जाएगा कि वो अपनी कॉस्ट अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि तुम मुझे बताओ, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऐसा होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? आप मुझे बताओ, इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन मेजर देम ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कि इस फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? नहीं, उनका तो काम रेवेन्यू जनरेट करना है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फाइनेंस का काम तो करो लेकिन मिनिमम कॉस्ट में करके दिखाओ, तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ फाइनेंस सेंटर, अ कॉस्ट सेंटर। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लो कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे मैं डाबर इंडिया में कंज्यूमर केयर बिजनेस में आता हूं, ठीक है, डाबर इंडिया कंपनी के अंदर कंज्यूमर केयर बिजनेस में आता हूं, तो कंज्यूमर केयर बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो एक कॉस्ट है कंपनी के लिए। तो कंज्यूमर केयर बिजनेस की कॉस्ट कहां से आती है? उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आती है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इसका जो हेड होगा ना, प्रोडक्शन का हेड, वो कंज्यूमर केयर के जो बिजनेस हेड होंगे ना, उनको रिपोर्ट करता होगा। तो उसके रिपोर्ट, मतलब यहाँ के जो बिजनेस हेड होंगे ना कंज्यूमर केयर बिजनेस के, वो इससे क्या बोलते होंगे, क्यों भाई तुमने साल भर में कितनी कॉस्ट इनकर करी है, अच्छा यहाँ पर क्यों ज़्यादा खर्चा हुआ, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगली बार क्या ध्यान रखना है, अगली बार क्या बजट बनाना है, लाइक दिस। हाउएवर यही बंदा जब सेल्स वाले से बात करता होगा ना, तो ये नहीं बोलता होगा, क्यों भाई कितनी कॉस्ट कम करोगे अगली बार? सेल्स वाला कहेगा, मैं कॉस्ट कैसे कम करूंगा भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रेवेन्यू जनरेट करने की है। तो मुझे आप किस बेसिस पे जज करोगे कि मैंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया? तो सेल्स डिपार्टमेंट इज अ रेवेन्यू सेंटर। तो जिस, देखो कभी भी बिजनेस में ना पार्ट्स बनाए जाते हैं, जब बिजनेस बड़ा होता जाता है ना, सुनना, जब बिजनेस बड़ा होता जाता है तो बिजनेस में डिविजन्स करने जरूरी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना जरूरी है। मेरी बात सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, बिजनेस में जो ड्यूटीज होती है ना, वो अलग अलग बांटनी जरूरी है। और बड़ा होता है तो डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, और बड़ा होता है तो बिजनेसेस को अलग अलग करना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी दुकान होगी तो वहां एक ही बंदा सब कुछ देखेगा, एक पार्टनरशिप फर्म होगी तो शायद पार्टनर्स अपना अपना काम बांट लेंगे, एक पार्टनर बोलेगा कि ठीक है मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखूंगा, एक पार्टनर बोलेगा कि चलो मैं फैक्ट्री में रहूंगा। बिजनेस और बड़ा होगा, मान लो कंपनी बन गई, तो हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट्स बना दे,
कि वो सारे पार्टनर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए और उन्होंने हर डिपार्टमेंट का हेड हायर कर लिया। कंपनी और बड़ी हो गई, एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस करने लग गई तो वो अपने कंपनी के अंदर अलग अलग बिजनेस बांट देंगे और हर एक बिजनेस का एक अलग अलग बिजनेस हेड अपॉइंट कर देंगे। फिर हर बिजनेस हेड के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, हर बिजनेस हेड के अंदर उसका प्रोडक्शन अलग, उसका सेल्स अलग। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाता है ना, वैसे वैसे जो टास्क है ना वो बढ़ते जाते हैं और स्ट्रक्चर और बड़ा होता जाता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं और फिर उस पर हम देखेंगे कि आपको क्या लगता है उसको क्या बोलना चाहिए। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ डैश सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या लगता है सर, इट शुड बी अ कॉस्ट सेंटर? ठीक है, अब सेल्स डिपार्टमेंट इज अ डैश सेंटर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ रेवेन्यू सेंटर, उसे हम रेवेन्यू सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद और देखते हैं, ब्रांच which has no authority to incur cost and is created only for selling is treated as dash center for head office। head office और branch वाला system समझते हो आप? तो एक head office ने एक branch बनाई है, तो head office है city से थोड़ा बाहर। अब क्या होता है कि कई बार ना customer लोगों को मिलना होता, तो customer बोलता है city से बाहर कैसे आएंगे इतना, तो एकदम prime location में हमने छोटा सा office लिया है, वहां अपनी branch डाली है और उस branch को ये बोला कि तुमको कोई खर्चे नहीं करने, जो भी खर्चे होंगे सब हेड ऑफिस करेगा, तुमको सिर्फ जो कस्टमर आएगा ना उससे बातचीत करनी, उसको सैंपल्स दिखाने हैं प्रोडक्ट के और ऑर्डर लेना है, ऑर्डर ऑर्डर का सप्लाई भी हम करेंगे हेड ऑफिस से, तुमको सिर्फ वहां बैठना है और ऑर्डर लेना है और कस्टमर को डेमो दिखाना है, कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, सैंपल्स दिखाने हैं, लाइक दिस। तो ये ब्रांच का क्या काम है? ये ब्रांच का काम है रेवेन्यू का। अब एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो भाई। A branch is set up outside the city to expand business. And it is responsible for their own expenses. This branch will be treated as, this branch will be treated as dash for head office. अब मैं बताऊं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था। रुको 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 भाई, आंसर तो दे रहे हो, गलत दे रहे हो और वो भी तीन तीन बार दे रहे हो। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बार बार मैसेज करने वाले मेरे लिए कैसे हैं, मैं उनको क्या मानता हूं, तो थोड़ा सा हिसाब से। ठीक है,
सुनो सुनो, नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे को समझाने दो ना। मैं आप लोगों से सवाल पूछ के आपकी चेकिंग करने नहीं बैठा हूं, अभी तो पहली बार समझा रहा हूं ना, तो अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? चल सुनो, देखो मैंने, मेरा हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर सिटी में है, अब मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दूसरी सिटी में ब्रांच खोली, और उस ब्रांच में मैंने एक बंदे को बिठा दिया, पूरा सेटअप कर दिया वहाँ, पूरे स्टाफ अपॉइंट कर दिया, और अब वही ब्रांच जो है, वही ब्रांच अपने खर्चे भी करती है, वही ब्रांच अपनी सेल्स भी करती है, मतलब वो ब्रांच अपने PNL के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेलिंग भी वही ब्रांच करेगी और अपने खर्चे भी वही ब्रांच इनकर करेगी। तो अब वो जो ब्रांच है ना, उस ब्रांच को मैं एज अ कॉस्ट सेंटर भी नहीं देखता कि वो मेरे लिए बस कॉस्ट है, मैं उस ब्रांच को अपना रेवेन्यू सेंटर की तरह भी अकेला नहीं देखता, क्योंकि वो ब्रांच अपने स्टफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं उसे एक तरह का प्रॉफिट सेंटर देखता हूं, कि क्योंकि वो ब्रांच रेवेन्यू भी इनकर करती है, मतलब रेवेन्यू भी जनरेट करती है और अपने खर्चे भी खुद करती है, तो उस ब्रांच से जो नेट पैसा बचेगा, आई विल बी इंटरेस्टेड ऑन मोर ऑन दैट। अगर मैं उस ब्रांच के हेड को बुलाऊंगा तो मैं उससे ये नहीं बोलूंगा, क्यों भाई कितने की सेल्स करी, मैं उससे दोनों चीजें पूछूंगा, क्यों रेवेन्यू सही चल रहा है, कॉस्ट मैनेज कर रहे हो, हाँ भैया प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी, डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच होगी, ये ऐसी ब्रांच हो गई जहां पर आपने खर्चों का और सेलिंग का दोनों का अथॉरिटी वहीं दे दिया, आप हेड ऑफिस से इन्वॉल्व नहीं रहते, आप हेड ऑफिस से सिर्फ इस चीज को लेकर इन्वॉल्व रहते, क्यों भाई प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है कि नहीं, बस ठीक है। तो यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट जब दोनों आ जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू और कॉस्ट इज अ प्रॉफिट सेंटर। अच्छा अब सुनो, डाबर लिमिटेड हैज, डाबर लिमिटेड हैज separated their business and each business is responsible for their own sales and production. So each business unit will be treated as dash for the company तो सर वो आएगा प्रॉफिट अगेन, जैसे कि हमने जो यहां पर एग्जांपल दिया ना ये वाला, यहां पर कंज्यूमर केयर बिजनेस डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए एक प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि कंज्यूमर केयर बिजनेस दोनों चीजें करता है, कंज्यूमर केयर बिजनेस में रेवेन्यू भी जनरेट होता है और कंज्यूमर केयर बिजनेस के अंदर कंपनी की कॉस्ट भी लगती है। तो कंज्यूमर केयर बिजनेस को कंपनी किस तरीके से देखती है, एज अ प्रॉफिट सेंटर देखती है, लेकिन HR डिपार्टमेंट को क्या एज अ प्रॉफिट सेंटर देख सकता हूं, नहीं, HR डिपार्टमेंट वाले रेवेन्यू तो जनरेट कर ही नहीं सकते, तो HR तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो HR डिपार्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर फॉर द कंपनी। समझ रहे हो बात को, ठीक है? अच्छा अब कुछ बच्चे ना क्या है कि जब मैं एग्जांपल प्रॉफिट सेंटर के दे रहा हूं तो बार बार ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं। देखो यार मेरी जवाबदारी है कि मैं सब कुछ समझाऊंगा, तो मैं ये मेरी जवाबदारी कि मैं ऐसा एग्जांपल लाऊंगा जहां इन्वेस्टमेंट सेंटर समझाऊं, जब वो समझ जाओगे तो खुद समझ जाओगे कि वो प्रॉफिट क्यों नहीं और इन्वेस्टमेंट क्यों है, और जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। तो ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, मैं हूं ना यहां पर, ठीक है? सेल्स एंड प्योर वो भी नहीं है, प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन, ठीक है? तो डाबर लिमिटेड ने अपने बिजनेसेस को सेपरेट कर दिया और हर एक बिजनेस को एक बिजनेस यूनिट बना दिया है, और हर एक बिजनेस यूनिट अपनी सेल्स और अपने प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एवरी बिजनेस यूनिट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, टाटा मोटर्स इज अ सब्सिडरी
ऑफ टाटा सन्स, सो इट विल बी ट्रीटेड एज डैश फॉर टाटा सन्स, नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर के बीच में। प्रॉफिट सेंटर तब होता है जब वो विद इन कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर तब होता है जब कंपनी ही बदल गई। तो होल्डिंग कंपनी के लिए जो सब्सिडरी कंपनी है ना, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के कैपिटल में अपना पैसा लगाती है। सबको पता है ना किसी कंपनी को आप सब्सिडरी कंपनी कब बोलते हो? सर, किसी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी तब बोलते हैं जब एक कंपनी ने उस कंपनी पर 50% से ज्यादा स्टेक लिया है, अपनी इक्विटी लगाई है, तब वो सब्सिडरी कंपनी। मतलब इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर अस ना। तो टाटा सन्स जब टाटा मोटर्स को देखेगा ना, तो सिर्फ एज द प्रॉफिट सेंटर नहीं देखेगा कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा, उसे एज द इन्वेस्टमेंट देखेगा कि जितना ज्यादा टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा टाटा सन्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो टाटा सन्स ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए टाटा मोटर्स में, तो प्रॉफिट से ज्यादा दे विल बी इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ टाटा मोटर्स, दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, चलो। तो यहां पर मैंने अभी ये तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी को अभी हम वापस से इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। तो नाउ वी आर टेकिंग अराउंड 15 मिनट्स ब्रेक, और उस 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम लोग वापस मिलेंगे। एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल कंटिन्यू द पोर्शन ऑफ इन्वेस्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, अभी और एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस बताने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। सो इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर टाटा सन्स। तो इट मतलब टाटा मोटर्स, यहां टाटा मोटर्स आएगा, लास्ट में टाटा मोटर्स थोड़ी आएगा। ठीक है, चलो जी। तो कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग? 15 मिनट ना, 35, 5, 40, 9:50। ठीक है, 9:50 पे मिलेंगे।
चलिए भाई 9:50 हो चुके हैं, ब्रेक टाइम इज ओवर नाउ। तो हम लोग सर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सभी लोग आ जाइए फटाफट। और ये जो ब्रेक में नॉर्मल लॉस होता है ना, बहुत बुरी चीज़ है भाई कि ब्रेक में जा रहे हो और उसके बाद आ ही नहीं रहे। ये क्या बात होती है भाई, क्या अपने जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कौन करता है? 15 मिनट का ब्रेक दिया है ना, ब्रेक में गए तो वापस ही नहीं आए। हाँ, और 15 मिनट काफ़ी होते हैं भाई। 9:50 मतलब 9:50, 1 मिनट पहले आके बैठ जाने का, 9:50 से पढ़ना शुरू हो जाएगा, ये लॉजिक ठीक है। 9:50 को सोचेंगे कि आके बैठेंगे, ऐसा नहीं। 9:50 का ब्रेक ओवर मतलब 9:50 पे पढ़ाई शुरू, ठीक है। चलो रुचि बेटा, गुस्सा उस्सा कुछ नहीं हुआ यार, चलता रहता है क्लास में, इतना लोड क्यों लेते हो तुम? तो बात ये चल रही थी इसकी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करता है ना, तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता जाता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा सब कुछ संभाल रहा था, फिर एक से ज़्यादा लोग संभालने लगते हैं, फिर जब लोगों से नहीं संभलता तो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट में लोगों को डाला जाता है। फिर जब डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद बिजनेस और बड़ा हो जाता है तो एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल बिजनेस के यूनिट बना देते हैं। लेकिन जब बाद में ऐसा लगने लगता है कि बिजनेस यूनिट इतने बड़े हो गए तो उनको सेपरेट कंपनी बना दिया जाता है, सब्सिडरी कंपनी। तो आप इस पूरी इवॉल्विंग स्टेज को समझ पा रहे हो ना? पहले छोटा सा बिजनेस ओनर खुद संभाल रहा है, फिर ओनर ने एम्प्लॉय लाए, ठीक है सर, एम्प्लॉयज़ को अपना अपना ड्यूटी बांट दिया, फिर एम्प्लॉयज़ बढ़ाए, टीम बनाई, फिर लगा कि और बिजनेस बड़ा हो रहा है तो डिपार्टमेंट्स बना लिए, फिर और लगा कि हम एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं तो अलग अलग बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग व्यक्ति को दे दी। और उसके बाद जब बिजनेस और बड़ा हुआ और ऐसा लगने लगा कि अब तो हर बिजनेस अपने आप में कंपनी बनने लायक हो चुका है, तो सब्सिडरी कंपनी बना के उसको अलग कंपनी बना डाला। इस तरीके से काम आगे बढ़ता है। नाउ जब आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो ना, तो जिन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेवेन्यू जनरेट करने की, वो रेवेन्यू सेंटर कहलाते हैं। जिन डिपार्टमेंट का काम होता है सिर्फ खर्च करना, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उनका काम रिसर्च करना है। फाइनेंस का काम फाइनेंस मैनेजमेंट है, एचआर का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। लेकिन अगर मैं मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो दे विल बी ट्रीटेड लाइक अ कॉस्ट सेंटर। लेकिन अगर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग बिजनेस या अलग अलग ब्रांचेस डालती है और वो बिजनेस या ब्रांचेस अपने कॉस्ट और अपने रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम उन्हें प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। तो कोई अगर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कॉस्ट सेंटर, कोई यूनिट अगर रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो रेवेन्यू सेंटर, कोई अगर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोनों के लिए, तो दे विल बी ट्रीटेड लाइक प्रॉफिट सेंटर। लेकिन अगर आपने एक सेपरेट कंपनी क्रिएट कर दी और उसको भी लिस्ट करवा दिया, या बेसिकली वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, अब आप सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि उसका प्रॉफिट क्या है, यू आर मच मोर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग योर वेल्थ बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन दैट केस दैट पर्टिकुलर कंपनी द सब्सिडरी इज द इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर द होल्डिंग कंपनी। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप आंसर बताना मुझे, ठीक है। सो LIC इज एन डैश फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या है? क्या एक कॉस्ट सेंटर, क्या एक रेवेन्यू सेंटर, क्या एक प्रॉफिट जनरेटिंग प्रॉफिट सेंटर है, या फिर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें स्टेक लगे हुए हैं, 90% से ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें लगी हुई है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, अब वापस से चित्रों की मदद से समझते हैं। तो सर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए कॉस्ट सेंटर की तरह है, ये एचआर डिपार्टमेंट ये डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए कॉस्ट सेंटर की तरह है, ये एडमिन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर की तरह है, लेकिन ये जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है ये डाबर इंडिया के लिए प्रॉफिट सेंटर की तरह है, ये कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस जो है वो डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए प्रॉफिट सेंटर की तरह है, ये डाबर फूड्स का जो बिजनेस है वो इसके लिए प्रॉफिट सेंटर की तरह है। अब कंज्यूमर केयर बिजनेस के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर की तरह है,
कंज्यूमर केयर बिजनेस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू सेंटर की तरह है, कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर की तरह है, कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू सेंटर की तरह है। सिमिलरली डाबर फूड्स के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर की तरह है और डाबर फूड्स के लिए उसका सेल्स डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू सेंटर की तरह। और वही अगर मैं टाटा के स्ट्रक्चर में चलता हूं तो टाटा सन्स ने अपना 62% टाटा स्काई में लगाया है, टाटा स्काई इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर टाटा सन्स। टाटा मोटर्स में अपने 28% इक्विटी लगाई है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर टाटा सन्स। समझ रहे हो आप मेरी बात को एवरीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, मैनेजमेंट डेलीगेट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू वेरियस डिपार्टमेंट्स और पीपल टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों किया जा रहा है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया जा रहा है सर? बेटर कंट्रोल के लिए। जब बिजनेस बड़ा होता है ना तो अकेले आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बिजनेस को बेटर कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? इन्हीं डिपार्टमेंट या इन्हीं लोगों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाते हैं। मान लो तुमने किसी एक का डिपार्टमेंट नहीं बनाया लेकिन एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो उस सिचुएशन में वो बंदा तुम्हारे लिए रेवेन्यू सेंटर या कॉस्ट सेंटर है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, हमने अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए 5 सेल्समैन अपॉइंट किए, अगर हर एक सेल्समैन जो है उसका इवैल्यूएशन होता है उसने कितना सेल्स किया, तो सेल्समैन कंपनी के लिए कैसे ट्रीट किया जाएगा? हाउ विल यू ट्रीट योर सेल्समैन, हाउ विल यू ट्रीट योर सेल्समैन, ठीक है बताइए, हाउ विल यू ट्रीट योर सेल्समैन फॉर द कंपनी? वी विल ट्रीट इट लाइक अ रेवेन्यू सेंटर। हम सेल्समैन को हमारे कंपनी के रेवेन्यू सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो पर्सन और द डिपार्टमेंट कैन बिकम अ कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर और एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है? नाउ दे आर हेल्ड फॉर द परफॉर्मेंस, दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले आता है कॉस्ट सेंटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट विच आर अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर। तो वो डिपार्टमेंट जो किस चीज के लिए जवाबदार है, आंसरेबल मतलब जवाबदार, जवाबदेही है, किस चीज के लिए? उनके द्वारा की गई कॉस्ट इनकर के लिए, तो वो डिपार्टमेंट कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। जैसे मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अब मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, किससे जाके पूछोगे तुम? मटेरियल डिपार्टमेंट से, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल का खर्चा करना, मटेरियल खरीद के लाना, ठीक है? रेवेन्यू सेंटर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया रेवेन्यू सेंटर में। देखो आप, टिकट काउंटर फॉर इंडियन रेलवेज, बताइए मुझे इंडियन रेलवेज का जो टिकट काउंटर है वो क्यों होता है? ताकि वहां से टिकट बिके और पैसा कलेक्ट हो, कलेक्शन हो। तो कौन सा टिकट काउंटर ज्यादा फायदेमंद है, जहां से ज्यादा सेल्स हो रही है वो टिकट काउंटर ज्यादा फायदेमंद है? तो टिकट काउंटर विल बी ट्रीटेड लाइक अ रेवेन्यू सेंटर फॉर इंडियन रेलवेज, ठीक है? चलो, अभी भी नॉइज आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, पहले से बेटर हुआ? हेलो हेलो हेलो, नहीं मजा आ रहा, रुक जाओ एक मिनट। अभी चेक करो बेटा, अभी मैनेजेबल है, अभी बेटर हुआ, नॉइस खत्म हुई, ठीक है? अगला आता है प्रॉफिट सेंटर। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड इनकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जैसे मैंने मेरी एक डिसेंट्रलाइज ब्रांच बनाई है, अब वो ब्रांच अपने खर्चों के लिए भी जवाबदार है, वो ब्रांच अपने रेवेन्यू के लिए भी जवाबदार है। तो इन दैट केस दैट ब्रांच विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर फॉर द कंपनी, ठीक है? सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने बोथ बोल दिया मतलब रेवेन्यू की भी और कॉस्ट की भी, एक्सपेंडिचर की भी। नाउ सिंस द मैनेजर
ऑफ प्रॉफिट सेंटर अकाउंटेबल फॉर बोथ प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट फॉर टाटा मोटर्स। अब जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को ना दो पार्ट में बांटा हुआ है। टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को एज ऑफ नाउ दो पार्ट में बांटा हुआ है, पीवी और सीवी। पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल, जिसमें आते हैं कार, एसयूवी एटसेट्रा, और दूसरा है सीवी। सीवी मतलब जिसमें आते हैं ट्रक्स या वो तीन चक्के वाले कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, तो जब टाटा मोटर दोनों बिजनेस को देखता होगा ना, तो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता होगा कि कमर्शियल व्हीकल से कितना प्रॉफिट हुआ है, पैसेंजर व्हीकल से कितना प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो। सो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस फॉर टाटा मोटर्स इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉफिट सेंटर। ऑलराइट, चलो। नाउ अब आता है सर इन्वेस्टमेंट सेंटर। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विच आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये वो तो नेहा बेटा, जैसे अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं ना, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं ना कॉपी में, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ना हर चीज पूछने की आवश्यकता नहीं कि क्या क्या कॉपी में होना चाहिए। जो मैं कॉपी में लिखूंगा ना, वो कॉपी में लिखना है। जैसे मैंने जब नोटबुक में ये लिखा था कि ये चार सेंटर होते हैं, तो इतना आपको लिख लेना था। फिर मैंने नोटबुक में ये ब्लैक कलर से जितने एग्जांपल्स लिखे हैं, वो आपको लिख लेना था, बस। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब मैं ये रीड करवा रहा हूं, तो हर चीज को थोड़ी लिखना आपको। ये बुक आपको इसलिए तो दी गई है, हर चीज के पैराग्राफ नहीं लिखने। जहां मुझे कुछ लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने योग्य है, वो मैं लिखवा देता हूं, वो आप लिख लिया करो बस। मेनली आप नोटबुक क्यों बना रहे हो बताऊं? मेनली आप नोटबुक बना रहे हो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेनली, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। वो तो क्या होता है, सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अन्यथा कोई थ्योरी और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके अंदर, ये तो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है। चलो, सो These are the responsibility center which are not only responsible for the profitability. Not only क्यों लिखा? मतलब सर, आज अगर मैं कहीं investment करता हूं, तो सामने वाला profit करेगा तो वो तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं वो profit करे। But profit is not the only motive. मेरा motive ये है कि वो अपना value भी बढ़ाए, value create करे। ठीक है सर, ये क्यों लिखा हुआ है? There is the authority to make the capital investment decision. अब एक एग्जांपल देता हूं। टाटा मोटर्स का सीईओ रतन टाटा जी से जाके थोड़ी पूछता होगा, सर वो गुजरात में प्लांट डाल दें क्या हम लोग कार बनाने का? रतन टाटा बोलेंगे, इतनी छोटी छोटी चीज के लिए मेरे पास मत आया करो यार, सेपरेट कंपनी क्यों बनाई है? तुम सीईओ, तुम देख लो तुमको जो करना है। मैंने तुमको ये इतने लाख करोड़ रुपए दे दिए, अब मुझे उसकी वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ। ये तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम कहां प्लांट डालोगे, कहां प्लांट नहीं डालोगे। छोटे मोटे मैटर में मुझे मत पूछा करो यार, प्लीज। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग इट? ठीक है, चलो। ठीक है नेहा, ओके। और धीरे लिखूंगा या लिखने के बाद और रुकूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं दे रहा हूं उतना टाइम, मुझे लगता है कि लिख लिया होगा ज्यादातर लोगों ने। अब क्या होता है कि समझना पड़ता है कि कब टाइम मिल रहा है लिखने का। ऐसा नहीं होगा कि मैं लिख दूंगा फिर बोलूंगा कि बेटा हाँ अब लिखो, जब मैं लिख रहा हूं तुम भी साथ में लिख लिया करो, और बाद में मैं 10-15 सेकंड का पॉज देता ही हूं लिखने के लिए, है ना। चलो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, बट उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की भी अथॉरिटी दी गई है कि तुमको जहां ब्रांच खोलनी हो, तुमको जो लैंड लेनी हो, तुमको जहां प्लांट खोलना हो, जहां जो लगाना हो, तुम्हारी मर्जी, छोटे मोटे काम में हमको मत लाया करो। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई। टाटा सन्स ये देखेगा कि उसने जिन जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, कहां पर आरओआई ज्यादा अच्छा मिल रहा है। आर यू गाइस गेटिंग मी? ठीक है, जैसे कि आपको पता है
गूगल की बहुत सारी कंपनीज हैं, पर गूगल की जो होल्डिंग कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। तो गूगल गूगल आईएनसी भी अल्फाबेट के लिए एक सब्सिडरी है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर अल्फाबेट। अरे यार तुम लोग ये जो पर्सनल अटैक करते हो ना बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है अमन, अभिषेक, अभिषेक बेटा तुमने तो बहुत गलत किया बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ ऊपर वाला देख रहा है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको इसकी। ध्यान रखो सभी लोग, आप लोग क्या बोल रहे हो, अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना अंडशंड बेटा, एक बात समझ जाना, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है चलो नाउ, सो किसी पे पर्सनल अटैक करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन द लाइफ। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर मेजर्ड। और तो मेन मेन कौन सी चीज है जिसके बेसिस पर आप चेक करते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं? आरओआई, जहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जहां कम मिल रहा है वो कम इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ठीक है तो क्या अब मैं आप लोगों को ये चार बातें समझा पाया, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है एवरीबॉडी, चलो सर अब अगला टॉपिक लिखिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। सर कॉस्ट सेंटर में दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, ये अगला टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। उसमें पहला आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। एग्जाम्पल मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर फॉर कंपनी। इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी। जैसे मान लो हमने प्लान किया था कि हमारा मटेरियल कॉस्ट इतना होना चाहिए, अगर उससे कम मटेरियल कॉस्ट लगा तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को शाबाशी देंगे, वाह आपने क्या बात है भाई, हम लोगों ने प्लान किया था कि 5 करोड़ रुपए का मटेरियल खर्च होगा, आपने 4 करोड़ 80 लाख में ही काम करवा दिया, वेरी नाइस। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हमने प्लान बनाया था कि इस पूरे साल में जितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए 5 करोड़ रुपीज का मटेरियल लगना चाहिए, लेकिन 5 करोड़ 20 लाख का मटेरियल लगा, तो आपकी वजह से या आपकी इनएफिशियंस की वजह से 20 लाख का ज्यादा मटेरियल लग रहा है ना। तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर फॉर कंपनी, और उनका जो परफॉर्मेंस है इट विल बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कितनी मटेरियल कॉस्ट कंपनी ने इनकर करी। ठीक है नाउ नाउ सिंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी, विच मीन्स दिस कॉस्ट सेंटर हैज अ रिलेशन, हैज अ इनपुट आउटपुट रिलेशन विथ प्रोडक्शन। Hence,
इट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो ज्यादा मटेरियल लगता है, ज्यादा मटेरियल लगेगा तो मटेरियल की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या मटेरियल का खर्चा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, या फिर मटेरियल का खर्चा इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है? सर दोनों बात पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली उतनी क्वांटिटी मटेरियल की ज्यादा यूज होगी और उतना ज्यादा मटेरियल का कॉस्ट आएगा। तो ऐसे कॉस्ट सेंटर जिनकी कॉस्ट का रिलेशन आपके यूनिट्स ऑफ आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो, उन तरीके के कॉस्ट सेंटर को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं बात को। ऐसे कॉस्ट सेंटर जिनमें जो खर्चे हो रहे हैं ना, वो कोई चॉइस की वजह से नहीं है कि मैं ये खर्चा करूं या ना करूं, उसमें तुम्हारे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। देर इज अ इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द इन योर कॉस्ट। तो लिख लो बेटा, पहला इस पूरा पार्ट को लिख लो। एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश करी। देखो डेफिनेशन तो बुक में भी दी है, पर यहां जो मैं लिखवा रहा हूं वो उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया मैंने। सो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर फॉर द कंपनी। इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी। सिंस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, विच मीन्स दिस कॉस्ट सेंटर हैज अ इनपुट आउटपुट रिलेशन विद द प्रोडक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। अब इसका थोड़ा सा अंग्रेजी में जो दिया हुआ होगा डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं। कॉस्ट सेंटर वेयर इनपुट आउटपुट रेशियो इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट। इन दैट केस द कॉस्ट सेंटर विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो इसके अंदर ना मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ और समझाने के लिए, और समझाने के लिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लिखिएगा मेरे साथ एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा जयप्रताप और बेटर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो दिया है बजटेड आउटपुट फॉर द मंथ ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स। तो आप क्या करते हो ना, हर एक महीना जब शुरू होता है ना, कोई भी आपका पीरियड शुरू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल से जून चालू होने वाला है, तो जून महीने की प्लानिंग हमने मई में करके रख ली। तो हमने एक प्लानिंग करी जिसमें हमने ये सोचा है कि हम अपने फिनिश गुड्स की जून के महीने में 20,000 यूनिट्स बनाएंगे। कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 20,000 यूनिट्स बनाएंगे। वी नो दैट मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 3 kg एंड मटेरियल प्राइस पर यूनिट इज रुपीज 40 per kg। तो मैंने अभी तक आपको प्लानिंग का डेटा दिया है, प्लानिंग ये भी प्लैंड डेटा है। तो आपने जब प्लानिंग करी जून शुरू होने से पहले, तो आपने नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, वो अलग एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर को ही समझाने के लिए पहले मैंने थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिया और अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो हमने जून का महीना शुरू करने से पहले ये प्लानिंग करी कि हम 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा सोचा है, हम किया नहीं है, ऐसा सोचा है। साथ में हमको एक आइडिया है कि भाई हमारे यहाँ लगभग लगभग हर एक यूनिट बनाने में 3 kg मटेरियल हमको लगता है। कितना केजी लगता है सर? 3 kg मटेरियल हमको लगता है एक यूनिट प्रोड्यूस करने में, और एक यूनिट लगभग लगभग 40 रुपए का खरीद के लाते हैं मटेरियल का, पर केजी, मटेरियल प्राइस पर केजी।
तो हम मटेरियल 40 रुपए पर केजी का खरीद के आते हैं। नाउ आफ्टर मंथ इज ओवर, जब आपका महीना खत्म हो गया, मंथ इज ओवर, वी गेट एक्चुअल डिटेल्स या एक्चुअल डेटा एज बिलो। तो हमको कुछ एक्चुअल डेटा पता चलता है। सबसे पहले आउटपुट का, हमने सोचा तो था 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली सर 22,000 यूनिट्स बनी है। और वैसे भी रियल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि जो आपने प्लान किया वो एकदम कट टू कट मैच करता है। आप कुछ सोचते हो, फिर सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको प्लस माइनस भी कर लेते हो। तो लगा होगा आपको कि ज्यादा डिमांड आ रही है, तो आपने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ जून। ठीक, नाउ मटेरियल यूज्ड कितना हुआ है? सर मटेरियल यूज्ड हुआ है, लेट अस से 62,000 केजी। और प्राइस, जिस प्राइस पर हम मटेरियल लेकर आए हैं ना, मटेरियल का प्राइस है ₹41 पर केजी। मैं हम सोचा तो था कि 40 में मिल जाएगा, लेकिन सर मार्केट में मिला नहीं, मतलब 1 रुपये महंगा मिला। प्लानिंग तो थी 40 में लाने की, लेकिन बीच में रेट वेट बढ़ गए, तो एवरेज हमको 41 का पड़ा। नाउ कंपेयर बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है सर, कंपेयर करते हैं। अब देखो सर, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। पहले सब लोग क्वेश्चन लिख लो ये वाला, तब तक मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। तो मैंने ये बताया इस क्वेश्चन में कि आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि आप आने वाले महीने में 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस करोगे, दैट इज योर बजट। और आपको एक लगभग लगभग अंदाजा है कि हर यूनिट बनाने में लगभग लगभग 3 केजी का मटेरियल यूज हो जाता है, और एक यूनिट ऑफ मटेरियल आपका करीब करीब 40 रुपए पर केजी का आता है। जैसे मंथ आपका खत्म हुआ तो आपको एक्चुअल डेटा पता चला, जब आपने जून खत्म हो गया आपका, तो आपने देखा अरे 22,000 यूनिट बना लिया हमने, हाँ जी, और मटेरियल हमने यूज किया 62,000 केजी का, और प्राइस है 41 रुपीज पर केजी जो एक्चुअल में यूज हुई है। तो कंपेयर द बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है सर, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है, टेबल। तो आउटपुट सर, बजटेड आउटपुट था आपका 20,000 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल आउटपुट है आपका 22,000 यूनिट्स। अच्छा, आउटपुट के हिसाब से मटेरियल क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? सर एक यूनिट बनाने में 3 केजी लगना चाहिए था, तो 20,000 यूनिट्स बनाने में 60,000 केजी लगना चाहिए, ये बजट था, लेकिन एक्चुअली में लगा 62,000 केजी। ज्यादा मटेरियल यूज कर दिया क्यों हमने? उसके बाद प्राइस, मटेरियल का प्राइस था, मतलब जो सोचा था आपने वो 40 रुपीज पर केजी था, लेकिन लगा है 41 रुपीज पर केजी, महंगा खरीद के लाए हो। आपने बजटेड कॉस्ट सोची थी, कितनी सोची थी? 60,000 केजी लगेगा 40 रुपए से, मतलब 24 लाख रुपीज का मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, ऐसे मैंने सोचा था। और लगा है 62,000 × 41, मतलब 25,42,000। अब इस टेबल को देख के कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि अरे 1,42,000 का ज्यादा नुकसान कर दिया हमने, ज्यादा खर्चा हमारा हो गया, ऐसा लग रहा है ना देख के, ऐसा लग रहा है देख के कि हमने तो प्लान बनाया था 24 लाख का मटेरियल का एक्सपेंस करने का,
लेकिन एक्चुअली में तो 25 लाख 42,000 का एक्सपेंस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 24 लाख और 25 लाख 42,000 सीधे सीधे कंपेयर करने चाहिए हमको? मैं बोलता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि जो 24 लाख की कॉस्ट आपने प्लान करी थी वो 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए थी, बट बनी तो 22,000 यूनिट्स है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं ना, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? इट इज रिवाइज्ड बजट। अच्छा, स्टैंडर्ड मतलब रिवाइज्ड बजट, एक अपडेटेड बजट एज पर द एक्चुअल आउटपुट। तो अगर 20,000 यूनिट की जगह 22,000 यूनिट्स का प्लान बनाने जाऊं मैं, तो क्योंकि आपको पता है कि एक यूनिट बनने में 3 केजी लगना चाहिए, तो 22,000 केजी 22,000 यूनिट्स बनने में तो एक्चुअली और ज्यादा मटेरियल लगना चाहिए था। अरे हाँ यार, सोचो सोचो सोचो, अगर 20,000 यूनिट बनने में 60,000 केजी का मटेरियल लगना चाहिए, तो 22,000 यूनिट्स बनाने में तो और 66,000 केजी का मटेरियल लगना चाहिए। क्लियर? और प्राइस 40 की होनी चाहिए। तो आइडियली सर खर्चा होना चाहिए था कितने का? 66,000 × 40, 26,40,000 का। लेकिन उतनी ही सेम यूनिट कम रुपए में बन गई। सर फायदा हुआ है उल्टा यहां पर। अगर अच्छे से देखोगे तो 98,000 का सेविंग हुआ है। अरे हाँ यार, अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल की मदद से। कोई जल्दीबाजी नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। मैं माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूँ। पहले आप ये टेबल बना लो, लिख लो, फिर मैं रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। ठीक, पहले लिख लो आप एक पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से या रियल लाइफ के एग्जाम्पल से आपसे मैं पूछता हूँ। आपको मम्मी ने 500 रुपये दिए और बोला 5 किलो दाल लेकर आना। दाल आती है 100 रुपये की। ठीक है, पहले जो मैं दूसरा कहानी बोल रहा हूँ ना, उस कहानी को सुन लो, फिर वापस इस एग्जाम्पल को रिपीट करूंगा। तो आपको मम्मी ने 500 रुपये दिए और बोले बेटा 5 किलो दाल लेकर आना, दाल का रेट है 100 रुपये किलो। ठीक है, फिर तुम जैसे ही दुकान में पहुंचे मम्मी का फोन आता है, बेटा 5 नहीं 7 किलो दाल लेकर आना, 7 किलो। तो तुमने मम्मी को बोला मम्मी पैसे तो 500 रुपये हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, बचा हुआ फोन पे कर देना। तो तुमने क्या किया, क्योंकि तुम 7 केजी दाल लेकर आए तो तुमको 700 रुपये पे करने पड़े, तो 200 रुपये तुमने फोन पे कर दिए, 500 रुपये कैश दे दिया। अब घर आके तुमने मम्मी से बोला मम्मी 200 रुपये निकालो। मम्मी बोलती है क्या गधा बेटा है ये, 500 रुपये में लाने को बोला था, 700 रुपये में लेके आ रहा है सामान को। इसको तो मोल भाव करते भी नहीं आता, इसको तो लूट लेते हैं लोग। 500 रुपये दिए तो थे तुमको, 500 वाली चीज 700 में लेके आ रहे हो। अरे मम्मी आपने बोला था ना 2 किलो ज्यादा दाल लेके आनी। नहीं, मैंने बोला था ना 500 रुपये में लेके आओ, तुम 700 रुपये क्यों खर्च करके आए बताओ। अच्छा, अबे गजब है यार ये तो। ये तो हद हो गया यार। अरे तो भाई 5 किलो की जगह 7 किलो लेके आऊंगा तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा ना। उसी तरीके से 20,000 का आउटपुट बनाने में अगर 24 लाख लगना चाहिए था, तो 22,000 का आउटपुट बनाने के लिए और ज्यादा पैसे लगने चाहिए थे ना, कम थोड़ी लगने चाहिए। तो हाउ कैन यू कंपेयर योर 24 लाख विद योर एक्चुअल कॉस्ट? डोंट यू थिंक कि आपको अपने बजट को रिवाइज करना चाहिए? डोंट यू थिंक को मम्मी को अपने बजट को 500 की जगह 700 करना चाहिए, और मम्मी को ये बोलना चाहिए हाँ बेटा 700 रुपये हुए ना, ले बेटा 200 रुपये। हाँ मैं ये बोलता कि मम्मी मैं 750 रुपीज में लेके आया हूं, और फिर मम्मी डांटती तो ठीक है कि 50 रुपये का नुकसान करके आया हूं, पर 2 किलो ज्यादा दाल लेके आने की वजह से 200 रुपये ज्यादा लगे, तो उसमें मुझे क्यों डांट पड़ रही है? दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, मम्मी रॉन्ग, बच्चा शॉक, क्या बोला है भाई। तो सुनिए मेरी बात को सर। इसी तरीके से यहां पर अगर आपसे कोई बोलता है कि 20,000 यूनिट बनाने में 24 लाख का मटेरियल कॉस्ट लगना चाहिए, तो जब आप 22,000 यूनिट बना दोगे तो मटेरियल कॉस्ट भी तो ज्यादा लगनी चाहिए ना।
तो आपको अपने प्लानिंग को रिवाइज करना चाहिए कि नहीं। आपने जो प्लान अपना जून के महीने शुरू होने से पहले बनाया था वो 20,000 यूनिट्स के हिसाब से बनाया था, जब एक्चुअल में 22,000 यूनिट्स बनी है, तो आपका प्लान भी रिवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डोंट यू थिंक कि आपका प्लान भी रिवाइज होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। यही है वो रिवाइज्ड प्लान, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो ऐसे कॉस्ट सेंटर जहां पर आपके पीरियड शुरू होने से पहले जो आपने प्लानिंग करी है ना, उसको आप रिवाइज करते हो और बजट की जगह स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालते हो और फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। और आपने देखा स्टैंडर्ड और बजट में एक्चुअली में फर्क क्या है? सर, स्टैंडर्ड के अंदर ना एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से हम अपने बजटेड फिगर्स को एडजस्ट करते हैं। हमारा बजटेड फिगर था 20,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए, तो उसी पूरे फिगर को हमने 22,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के हिसाब से रिवाइज किया। आप इसको प्रोरेटा फॉर्म में भी देख सकते हो। प्रोरेटा फॉर्म में मतलब कि सर, अगर 24 लाख रुपीज का कॉस्ट लगना चाहिए था 20,000 यूनिट्स बनने के लिए, तो बताइए 22,000 यूनिट्स बनने के लिए कितना कॉस्ट लगना चाहिए? सर, 24 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 22,000, ये 26,40,000। अब मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे एक बार यहां पर इस वाली लाइन को पढ़ें। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द इनपुट, इनपुट मतलब मटेरियल, लेबर एटसेट्रा, तो आपके इनपुट का एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, इट शुड बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट? कॉस्ट दैट शुड बी इनकर्ड फॉर अ गिवन आउटपुट। तो वाकई में जो आउटपुट हुआ है 22,000, उसके लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी? यह है 22,000 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, और यह है 22,000 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट लगी। और ये है 20,000 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। क्या आपको 24 लाख और 26 लाख 40,000 में फर्क समझ में आ रहा है? अगर हां तो क्लियर एंड डन कर दिए, सो देट हम आगे बढ़े फटाफट, ठीक है? अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने मेरे एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट से कंपेयर ना करते हुए स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर किया है, तो क्लियर एंड डन लिख दीजिए। मजा आ गया? ये कॉन्सेप्ट को हम और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 13 में, जिसका नाम ही है, चैप्टर का ही नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मैंने आपको एक ट्रेलर तो दे दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट टॉपिक का, पर एक्चुअली में स्टैंडर्ड पूरा चैप्टर है, तो आप समझ सकते हो कितना डेप्थ में जाएंगे हम, है ना? तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी इसको एकदम दिल से नहीं समझ पाया है ना बेटा, यू आर बाउंड टू अंडरस्टैंड इट दिल से। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट नाम का पूरा चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 13, ठीक है? चल, अच्छा, अब मैं एक दूसरे कॉस्ट सेंटर की बात करता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर तो मैंने बता दिया क्या होता है, अब मैं चल रहा हूं दूसरे कॉस्ट सेंटर में, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। लिखो मेरे साथ सारे बच्चे, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, पहले तो डिस्क्रिशनरी का मतलब या डिस्क्रिशन का मतलब समझते हैं। हमारी इच्छा से, डिस्क्रिशन मतलब एज पर द विश, ठीक है? ये वाला नहीं लिख पाए क्या? रुक जाओ, इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख ले जल्दी से, मेरी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था तो। ये लिख लिया ना सबने अभी? ओए
एवरीबॉडी लिख लिया ना? ओके 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 नाउ तो पार्ट बी आता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर. डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है एज पर विश. सो अब एक और एग्जांपल लेता हूं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर को समझाने के लिए. ठीक है, अ कंपनी, अ कंपनी कंपनी इज हैविंग एन एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट. एक कंपनी है जिसमें ना एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, उनका क्या काम है? उनका काम है कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी. अ कंपनी इज हैविंग एन एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट they get budget of rupees 2 lakh for the month of June 2024 for advertisements. उनको कंपनी ने ऐसा प्लान करके बताया कि बेटा 20,000, 2 लाख रुपए का बजट है, आप 2 लाख रुपए में एडवर्टाइजमेंट करो इस महीने. ठीक है, आफ्टर जून इज ओवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कमिंग टू रुपीज 2,40,000. बजटेड आउटपुट इज 5,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज 6,000 यूनिट्स. चलो लिख लो सारे बच्चे फटाफट फटाफट लिख लो पहले सारे बच्चे इतना पार्ट. एक कंपनी है, कंपनी में एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है. कंपनी ने उनको बजट दिया कि बेटा आप लोगों को 2 लाख रुपए महीने का हम दे रहे हैं, 2 लाख रुपए खर्च करो एडवर्टाइजमेंट में. उन्होंने एडवर्टाइजिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, न्यूज़पेपर वालों को ऐड दे दी, इसको ऐड दे दी, उसको ऐड दे दी. बाद में जब महीने भर का बिल आया ना, जब महीने भर का बिल आया, जब बिल का पेमेंट हुआ और हमने अपने लेजर में जाके देखा कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आ कितनी रही है, तो 2,40,000 रुपये आ रही थी. अब क्या हुआ, मीटिंग हुई. अब मीटिंग हुई और मैनेजमेंट ने एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, बोले तुमको 2 लाख रुपए बोला था, 2,40,000 क्यों खर्च किए? तो अब देखना वो क्या कहता है. तो यहां मैं लिखता हूं, डू यू थिंक extra cost incurred is justified by increase in output. मतलब basically क्या हुआ सर, basically ये हुआ कि जैसे ही इस पूरी story को सुनना ना, story बहुत important है. एडवर्टाइजिंग मैनेजर गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उससे पूछा, क्यों भाई क्या चल रहा है, आपको 2 लाख रुपए का बजट दिया था ना, सुनाई नहीं देता क्या? हिंदी में समझाया था ना 2 लाख रुपए, नहीं समझ आता क्या? 2,40,000 का क्यों बिल आ रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों किया आपने? सर देखिए, अब एडवर्टाइजिंग मैनेजर का सुनना ना, सर देखिए हमने प्लानिंग करी थी कितनी यूनिट्स बनाने की, 5,000, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन तो 6,000 यूनिट्स का हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए ना. अरे गधे, यूनिट्स बढ़ती है तो मटेरियल लगता है, तो मटेरियल का खर्चा बढ़ना इज जस्टिफाइड, कि भाई यूनिट्स बनी है तो मटेरियल लगेगा.
अरे एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी है तो मेरी चॉइस है ना। कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरे पास आके ये थोड़ी बोलेगी आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया चलो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करवाओ। अबे एडवर्टाइजमेंट मेरे हाथ में होती है कि मुझे कितनी करनी है, ये फालतू का लॉजिक मत दो कि ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हुई है इसलिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है। किसने दिया तुमको ये अप्रूवल? तो कुछ ऐसे कॉल सेंटर होते हैं सर जो ये फालतू का बहाना एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ गई इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हो ठीक है। अरे बेटा आप लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो और मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर वो होता है जहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। तो डोंट ट्राई टू फाइंड द कनेक्शन, उल्टा मैं तो उसको रिजेक्ट कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट को कि भाई एडवर्टाइजमेंट मुझे कितनी करनी है तो मेरी चॉइस है ना। तो मुझे बताओ फैक्ट्री में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या उससे एडवर्टाइजमेंट अपने आप पे हो करना पड़ेगा क्या? ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है क्या? ज्यादा यूनिट बनेंगे तो ज्यादा पेपर एड देने पड़ते हैं क्या? ज्यादा यूनिट्स बनती है तो लेबर को ज्यादा काम करना पड़ता है, एग्रीड। ज्यादा यूनिट्स बनती है तो मटेरियल का खर्चा बढ़ जाता है, एग्रीड। बट यार ज्यादा यूनिट बनी है तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्यों बढ़ेगा, ये कहां से जस्टिफाइड है? उसमें भी कई लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सर वो शायद ना उसने सैंपल ज्यादा बांट दिए होंगे। अरे मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बिके, मैं तो ये बोल रहा हूं कि हमने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का सोचा था और 6,000 प्रोड्यूस हुए। पर मैं ये बोल रहा हूं इसको तुम ये 2 लाख और 2,40,000 से क्यों कंपेयर कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट करना तो मेरे हाथ में है ना, वो यूनिट्स बढ़ने से बढ़ना और यूनिट्स कम होने से कम होने वाली चीज ही नहीं है ना, वो तो मेरी हाथ की चीज है, उसमें आउटपुट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये तो आपकी मर्जी कि आपको कितनी बार एड देना है, कितना सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना है, कितना पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है, कितने बैनर लगाने, ये तो आपकी चॉइस है ना। ये कंपल्शन थोड़ी है कि यूनिट्स बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगा। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है तो यहां पर मैं लिखूंगा इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट कैन नॉट बी अ रीजन टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एड्स बिकॉज एड्स कॉस्ट आर अवर डिस्क्रिशन। एंड हैज नो इनपुट आउटपुट रिलेशन विथ अवर प्रोडक्शन। समझे क्या? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट इज अ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो यार डेफिनेशन बताने की बजाय मैं पूरी केस स्टडी समझा रहा हूं ताकि आप लोग उस पूरी बात को दिल से समझ पाओ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है सो फोकस हियर एवरीवन, एक बार और फिर से। अब यहां पर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। अच्छा पहले आप इसको लिख तो लो, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। पहले ये ब्लैक वाला पार्ट भी लिख लो। तो आई होप ये स्टोरी आपको ये समझाने में समर्थ रखती है कि भाई हाँ इसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। ठीक है क्लियर एंड डन कर दीजिए। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सर इसकी। द कॉस्ट सेंटर हुज आउटपुट, द कॉस्ट सेंटर हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। दस इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड।
द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज सिंपली कंपेयर्ड विद द अलोकेटेड बजट, कि भाई मैंने तुमको 2 लाख रुपए का बजट प्लान किया था, तुमने 40,000 क्यों एक्स्ट्रा खर्च किए? ठीक है, चलो अभिषेक द्विवेदी, मैं कुछ और बात की बात कर रहा हूं यहां पर, आप ना गलत कनेक्शन बना रहे हो उसका। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है, यहां पर मैं उस डिपार्टमेंट को बस ये बोलता हूं कि आप एफिशिएंटली एडवर्टाइजमेंट करिए। क्या बोलता हूं? आप सिर्फ एफिशिएंटली एडवर्टाइजमेंट करिए। मैंने आपको बजट दिया, उसमें से करिए। अब 2 लाख रुपए में से जितनी एडवर्टाइजमेंट करनी करो। क्यों ज्यादा कर रहे हो? उसने बोला सर आउटपुट ज्यादा हुआ। अरे ये कौन सी बात होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट द सिंपल थिंग्स। मैं इतना क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आप टू द पॉइंट चीजों को समझो। पर क्या है ना, आप लोग ये इंटेंट रख रहे हो कि सर चलिए कुछ फाइंड आउट करते हैं रीजन, उसको डिस्क्रिशनरी की जगह स्टैंडर्ड बनाने का। अरे नहीं ना भाई, वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर इसीलिए एग्जाम्पल है क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर है। बट तुम कनेक्शन ढूंढ रहे हो सर रेवेन्यू से मैच कर गया, रेवेन्यू ज्यादा हो गया तो, रेवेन्यू ज्यादा हुआ इसलिए वो ज्यादा हुआ तो। अरे भाई क्या टॉपिक पढ़ रहा हूँ, क्या स्टोरी बता रहा हूँ, कहाँ लिंकेज करने जा रहे हो? और जब कोई चीज बताई है तो उसका डेफिनेशन भी तो समझाने दो, उसका कहानी ही चेंज करने की कोशिश की जा रही है बार बार, है गलत बात है ना। तुमको उसमें क्यूरियोसिटी है तो अच्छी बात है, पर एक बार हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लें फिर और क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन पूछना, ठीक है? द कॉस्ट सेंटर जिसका आउटपुट हम मेजर नहीं कर सकते फाइनेंशियल टर्म्स में। अच्छा आप मुझे बताओ कि एडवर्टाइजमेंट का कोई आउटपुट होता है कि इतना एडवर्टाइजमेंट किया तो उससे इतना आउटपुट निकल के आया? नहीं होता सर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंपेयर्ड विद द एलोकेटेड बजट, इसीलिए यहाँ जो हमने बजट दिया है उसी बजट से आप इनपुट को कंपेयर करो कि भाई इतना बजट था और इतना खर्चा हुआ ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, वेयर आउटपुट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड विद सर्टेनिटी और कोरिलेटेड विद द कॉस्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। क्रक्स बता दू, 100 बात की 1 बात, सर ऐसा डिपार्टमेंट जिसका खर्चा हमारी चॉइस है कि हमें कितना करना है। अच्छा अगले महीने से अगर मैनेजमेंट बोल दे कि 1 ही लाख एडवर्टाइजमेंट में करना है तो क्या उससे प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा? अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर ले कि अगले महीने हमको कम एडवर्टाइजमेंट करनी है तो क्या उससे प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है क्या, कि एडवर्टाइजमेंट कम हुई है इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, समझ रहे हो ना। लेकिन लेकिन अगर अगले महीने मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हमें कम प्रोडक्शन करना है तो क्या मटेरियल का कॉस्ट भी कम लगेगा? क्या मटेरियल का प्लानिंग भी अपने आप कम किया जाएगा? क्या उसका स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट भी कम आएगा? यस, है ना। तो क्या स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट? नहीं, स्टैंडर्ड शब्द वहां लगता है जहां आउटपुट के साथ कनेक्शन है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं हो सकती कि इतनी यूनिट बनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए ये डिस्क्रिशनरी वो स्टैंडर्ड है। तो जहां इनपुट आउटपुट रिलेशन सेट हो रहा है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, जहां सेट नहीं हो रहा है वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, बस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नहीं भी क्लियर है तो क्लियर माननी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना काफी है समझाने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से करें फटाफट रिविजन। सर हमने पढ़ा कॉस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा कॉस्टिंग क्या होता है, हमने पढ़ा कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, जो कि हम मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ये सब चैप्टर में पढ़ने वाले, अक्यूमुलेशन असाइनमेंट असर्टेनमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर कॉस्ट की मदद से सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन करना आसान हो जाता है, कॉस्ट पता होती है तो निगोशिएशन करना आसान हो जाता है, ठीक है सर। थर्ड पढ़ा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे ऊपर नहीं जाने देना कॉस्ट को। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट कंट्रोल अचीव करने के बाद और फर्दर रिड्यूस करना, जिसको करने के लिए कुछ इनोवेटिव चीजें करनी पड़ेंगी, एग्जांपल
वैल्यू चेन एनालिसिस। फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिस चीज की कॉस्ट निकाली जा रही है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट कैन बी एनीथिंग लाइक प्रोजेक्ट, जॉब, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, कस्टमर। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को डायरेक्ट मानना है या इनडायरेक्ट मानना है, ये भी समझाया था। कॉस्ट यूनिट्स, सर कॉस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है पर केजी में, पर लीटर में, पर मीटर में, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जिसमें हमने देखा सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब जो डिपार्टमेंट कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जो पर्सन या जो यूनिट कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वो रेवेन्यू सेंटर या वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू सेंटर कहलाता है। पर ऐसा सेंटर या ऐसी बिजनेस यूनिट जो रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रॉफिट सेंटर कहलाती है। और ऐसी सेंटर मतलब ऐसा कोई यूनिट ऑफ बिजनेस जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक सेपरेट कंपनी है, एंड वी आर मोर कंसर्न अबाउट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर देन प्रॉफिट, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर है। काफी सारे एग्जांपल्स हमने उसमें लिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर देखे, जिसमें दो टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर होते हैं। पहला होता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और डिस्क्रिशनरी। ऐसी चीजें जिनका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्शन के साथ है, कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो उनकी कॉस्ट भी कम होगी, ऐसे कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में आते हैं। ऐसे खर्चे जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन होने से वो खर्चे बढ़ जाए ऐसा कुछ नहीं होता, कम प्रोडक्शन होने से वो खर्चे कम हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं होता, दे आर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। दैट्स इट, क्लियर एंड डन। यहां तक आगे बढ़ रहा हूं नए टॉपिक में। अब आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो आसान चीजें हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, बर्गर किंग एक मॉल में खुला है, एक मॉल है जहां बर्गर किंग खुला है। अब इस बर्गर किंग वाले को जो मॉल का ओनर है ना उसको रेंट देना पड़ता है अपनी शॉप का, ठीक है। रेंट है 50,000 रुपीज, कितना है 50,000 रुपीज, तो जनवरी के महीने में भी 50,000 उसको रेंट देना पड़ेगा। भाई ये क्या हो गया, जनवरी के महीने में भी उसको 50,000 रेंट देना पड़ेगा, फेब के महीने में भी उसको 50,000 रेंट देना पड़ेगा, मार्च के महीने में भी उसको 50,000 रेंट देना पड़ेगा। अगर वो जनवरी के महीने में एक भी यूनिट नहीं बनाता तो भी उसको 50,000 यूनिट देना पड़ेगा, अगर वो 10,000 यूनिट बनाता है तो भी 50,000। मतलब सर रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका नंबर ऑफ यूनिट्स के कम होने या ज्यादा होने से कोई रिलेशन नहीं। तो मुझे बताइए रेंट किस टाइप की कॉस्ट कहलाएगी, रेंट विल बी ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो बर्गर किंग कंपनी के लिए जो वो मॉल में रेंट पे कर रहे हैं इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स के कम या ज्यादा होने से उस कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 0 यूनिट्स बना रहे हो तो भी आपकी कॉस्ट 50,000 है, आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हो तो भी आपकी कॉस्ट 50,000 ही है, ना तो वो इंक्रीज हो रही है ना तो वो डिक्रीज हो रही है, वो सेम है। कृष्ण ने बोला सर इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी, यस अप टू अ सर्टेन लेवल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, लेकिन मान लो अब आपको एक्सपांड करना है, आपका लेट से की कैपेसिटी है कि आप इस प्लांट से या आप इस दुकान से सिर्फ 15,000 बर्गर बेच पाओगे। अब मान लो मॉल में बहुत फुटफॉल हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो आपने बाजू वाली एक और दुकान ले ली और वहां और मशीनें और स्टाफ डाल दिया, तो आपकी कैपेसिटी 15,000 की जगह अब मान लो 25,000 हो गई, तो सर अब रेंट भी तो बढ़ जाएगा। तो अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती, लॉन्गर रन में बढ़ सकती है, ठीक है। तो जब मैं नॉर्मली फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं मतलब एक बेसिक अजम्पशन है जो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, दैट आई एम टॉकिंग अप टू द कैपेसिटी, मैं कैपेसिटी के बाहर जाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। चल अब वही इन लोग जो बर्गर बनाते हैं तो बर्गर के इंग्रेडिएंट्स देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें से एक इंग्रेडिएंट उठाता हूं मैं, बन, ये एक इंग्रेडिएंट है बन, उसको उठाता हूं, बन समझते हो ना, ये बन कहलाता है ऊपर जो लगा रहता है। तो जब आप एक बर्गर बनाते हो ना तो 15 रुपए का बन उसमें लग जाता है। तो अगर आपने पहले महीने में जब फर्नीचर का काम चल रहा है, जब आपने अपना शोरूम चालू भी नहीं किया है, क्या आपकी बन की कॉस्ट आएगी बताइए? पहला महीना जनवरी का महीना जब आपने रेंट तो पूरा पे किया, बट क्योंकि जनवरी के महीने में अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, डिजाइनिंग का काम चल रहा है, अभी तक इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, क्या तब बन की कोई कॉस्ट आएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया है। तो कॉस्ट ऑफ बन इज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाई?
इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कम कॉस्ट लगेगी। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? क्या ये बात सबको क्लियर एंड डन है? बताइए मुझे फटाफट, नाउ राइट नाउ एवरीबॉडी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ देख लीजिए, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक चीज आती है सर, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट जानते हो आप लोग? चलो स्टेप वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ लेते हैं। तो मैं अब बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन लिख लेना वेरिएबिलिटी, बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। इसमें जो पहला पार्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आ जाता है, तो मुझे डेफिनेशन भी नहीं लिखनी यहां। वेरिएबल कॉस्ट लगे तो एग्जाम्पल के तौर पर रेंट लिख दो, रेंट ऑफ बर्गर किंग, ताकि आपको याद हो जाए कि हमने वो एग्जाम्पल पीपीटी में देखा था। वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ बन। अब आता है सर हमारा तीसरा, एक तो सेमी वेरिएबल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सेमी वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, या फिर सेमी वेरिएबल में भी दो टाइप होते हैं, तो उसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ये भी एक तरह का सेमी वेरिएबल ही कहलाता है, बट इसमें ना तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इसका मैं एग्जांपल यहीं पर आपके लिए बनाता हूं, ठीक है, यहीं पर आपके लिए बनाता हूं। सो इफ वी आर प्लानिंग अ ग्रुप ट्रिप, Of friends, cost of transportation depends on below. तो मान लो आप लोग घूमने का सोच रहे हो, ठीक है, आप लोग घूमने का सोच रहे हो कि हमको ट्रिप पे जाना है और दोस्तों की बात चल रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नीचे दिए हुए तरीके से डिपेंड करती है। अगर जीरो से लेके, मैं ड्राइवर लेके जाने वाला हूँ, जीरो से लेके चार है नंबर ऑफ पैसेंजर, पी एक्स का मतलब होता है पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर अगर जीरो से फोर हैं तो जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज आएगा, मान लेता हूँ वन डे ट्रिप है तो 4,000 रुपये कार वाला लेता है, कार वाला कहता है 4,000 रुपये लूंगा, पर अगर तुमने बोला नहीं यार मेरे पास तो चार लोग नहीं यार भैया, 5 से 6 लोग होंगे, तो वो तुमको बोलेगा कि भैया 6 सीटर वाली गाड़ी आती है, 6 सीटर वाली गाड़ी, 6 सीटर वाली गाड़ी का 5,500 रुपये का किराया है। मैंने बोला नहीं यार ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो एक 7 to 8 सीटर आता है जिसका किराया 7,000 रुपये है एक दिन का। अच्छा, मैंने बोला नहीं यार मेरे पास तो यार भैया 12 लोग के आसपास हो सकते हैं, 9 से 12 ट्रैवलर आती है, ट्रैवलर का किराया एक दिन का 10,000 है। नहीं भैया मेरे पास तो करीब करीब 14 लोग तक जा सकते हैं, तो बड़ी वाली ट्रैवलर का किराया 12,000 है। और तुम बोलते नहीं यार भैया मेरे को तो 14 से भी ज़्यादा लोग हो सकते, तो मतलब भाई तो मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की बात कर रहा था, ठीक है, आई वॉज टॉकिंग।